माइक चेक क्यों मजे ले रहे हो यार चलो चेक लेट्स स्टार्ट सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल क्या मजा नहीं आ रहा यार थक गए आज तीसरे दिन पे तुम लोग ऑन यार गुड मॉर्निंग गाइज क्या बात है यार कल संडे है इंजॉय करने का सोने का है अपने को क्लास लू क्या नहीं नहीं। हाँ क्या नहीं। अच्छा नहीं। एक संडे सोलो बेटा फिर अगले संडे आपको सोने नहीं दोगे सो सो जा जा नो क्लास टुमारो तीनों में से कोई भी क्लास नहीं होगी जितना सोना है सोलो जहां घूमना है घूम लो कोई टेंशन नहीं हम नहीं पूछेंगे कहाँ थे किसके साथ थे <laughs> <laughs> आगे तो छोड़ दो ठीक है है ना अच्छा वैशाली में ना बराबर नहीं नहीं दगड़ू सिटी बोल दो ना मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे आ जाइए चलो कपड़े भी तो धोने कल ओके <laughs> <Okay. clears throat> एक बार हमारा कल और परसों में जो भी हुआ है रिवाइज करता है और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे है ना एवरी वन कमॉन गाइड स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रेन वेरी गुड एंड नाउ प्लीज बी इन्वॉल्व इन रिविजन प्रोसेस ताकि आगे के सेक्शन में भी आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो भी हमने कल पढ़ा था वो रिवाइज करते आ रहा है समझ रहा है और जवाब देते भी आ रहा है, है ना सबसे पहली बात तो कोई भी मीटिंग की जो नोटिस होती है ये जो नोटिस होती है इसको बनाने का और भेजने का पावर किसके पास होता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या सिंगल डायरेक्टर नोटिस भेज सकता है अगर पावर है तो पावर किसके पास है सभी डायरेक्टर्स के पास मिला के बट अगर डायरेक्टर्स चाहे क्या अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं तब फिर ये जो कोई और है क्या उसको पावर मिल जाएगा मीटिंग की नोटिस भेजने का हाँ है ना अलोंग विद डैट यही नोटिस जो होती है इसमें आप क्या सारी चीजें लिखते हो कंटेंट क्या क्या होता है कॉमोन गाइज्लेस आर एजेंडा वापिस बताओ डे प्लेस टाइम एजेंडा अलॉन्ग विदिस किन किन लोगों को भेजी जाती है ईच एंड एवरी मेंबर मेंबर अगर मर गया है मतलब डेथ हो गई है तो लीगल रिप्रेजेंट इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ऑफिशियल अजय साथ ही साथ ऑडिटर और साथ ही साथ डायरेक्टर इफ देर वॉज अ डेलिब्रेट डेलिब्रेट मतलब जान बूझ के आपने किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजी, डेलिब्रेट ओमिशन था तो क्या होगा द प्रोसिडिंग्स ऑफ द मीटिंग विल भी इनवैलेड बट अगर गलती से मिस्टेक हो गई है एक्सीडेंटल ओमिशन सो प्रोसीडिंग्स विल वेरी गुड नॉट बी इन वैलिड और यही शब्दों का आपको इस्तेमाल करना होगा इवन इन द एग्जामिनेशन सबसे मेन पॉइंट एक सौ एक का वो ये था कि नोटिस की लेंथ कितने दिनों की होती है सो इट इज ट्वेंटी वन क्लियर डेज ट्वेंटी वन क्लियर डेज यानी कि आप ट्वेंटी फोर आवर्स वाले दिन ही गिनने वाले हो तो चार दिनों की गिनती नहीं होती है कौन से चार दिनों की गिनती नहीं होती है डेट ऑफ डिस्पैच डेट ऑफ मीटिंग एंड टू डेज फॉर ट्रांसमिशन अगर आपने नोटिस को किससे भेजा है थ्रू पोस्ट तो फिर आप इन दिनों को भी इंक्लूड नहीं करोगे अगर आपने ई मेल भेजा है तो दो ही दिनों को एक्सक्लूड करोगे कौन से दो दिनों को डेट ऑफ डिस्पैच एंड डेट ऑफ मीटिंग हा या ना अच्छा अगर शॉर्टफॉल है तो क्या यह शॉर्ट फॉल को माफ किया जा सकता है yes. इंग्लिश में उसको कहते हैं कैंडर शॉर्टफॉल बी कंडोनड मींस कैन इट बी फॉरगिवन तो यस द शॉर्टफॉल कैन बी फॉरगिवन अगर एजीएम है तो वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एजीएम नहीं है अदर देन एजीएम है तो आप सवाल पहले पूछोगे वेरी गुड क्या कंपनी में शेयर कैपिटल है या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सेम है 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल टू वोट शुड गिव देयर कंसेंट फॉर शॉर्टर लेंथ ऑफ द नोटिस बट अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है दो कंडीशंस एक साथ आपको पूरे करने पड़ेंगे। एक तो मेंबर्स इन नंबर में हमको चाहिए मेजॉरिटी एंड प्लस ये मेजॉरिटी मेंबर्स Shall also be holding 95% of the total share capital. क्या बात है? Very good. I'm so proud of you. एक बार जोर दाता लिया सब लोगों के लिए. That was one of a difficult provision, but उसको भी आपने अच्छे से याद करके जवाब दिया. I'm so proud of you. Very good. बहुत ही बढ़िया बेटा. सेक्शन एट कंपनी है तो ट्वेंटी वन डेज की नोटिस नहीं लेते हैं फोर्टीन डेज की नोटिस हो तो भी क्या चलेगा तो यही सारी बातें हमने करी थी अभी तक और प्लस हमने देखा था हर कंपनी के एजीएम में ओके okay, एजीएम में अड्डा तो होता ही है कल हमने एचपी की प्रैक्टिकल नोटिस भी देखी थी अड्डा मतलब क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट डेक्रेशन ऑफ डेविड एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ या ना बट अड्डा के अलावा भी क्या और बहुत कुछ हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं स्पेशल तो अगर आप चाहते हो मेम्बर्स को बुलाया ही है अड्डा के साथ साथ दूसरा अगर आपको परमिशन लेने आप परमिशन ले सकते हो इन बिजनेस को क्या कहते हैं स्पेशल बिजनेसेस क्या कहते हैं स्पेशल बिजनेसेस ये सुनोगाइस और एक इसी को एक्सटेंड करना चाहती हूँ अच्छा ये सारा आपने जो देखा था सेक्शन नंबर एक तो शगुन का एक हमने उसी से शुरुआत कर ली है क्लास की और उसके बाद हमने एक सौ एक सौ दो देखा था जिसमें अड्डा और जो अड्डा नहीं है उसको हम क्या कहते हैं स्पेशल बिजनेस अब उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा है पांच दस मिनट क्योंकि वो सेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है 102 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा 103, 104, 105 भी हो जाएगा विच विल ऑल्सो कंप्लीट द सेकेंड सी ठीक है बट पहले एक से दो के बारे में थोड़ी सी बातें बाकी है इतना तो आपने एकदम सही समझ लिया हर एजीएम में अड्डा होता ही है बट अब सुनो मेरी बात अगर अड्डा नहीं है देन दैट बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस हमने कल ही चर्चा की थी स्पेशल बिजनेस क्या हर हर साल एजीएम में होता है नाम में लिखा है स्पेशल बिजनेस कुछ खास है या कुछ अलग आप कर रहे हो और कभी तो भी अलग होता है लाइफ टाइम में हर साल हर वक्त हर एजीएम में यह बात नहीं होती जैसे कल मैंने एग्जाम्पल लिया था हम हमारी कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं क्या हर साल नाम चेंज होता है लाइफ टाइम में कभी तो भी नाम चेंज होता है और अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हो अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हो यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन ऑफ द मेंबर्स यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन ऑफ द मेंबर्स तो ऐसे केस में इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल यू नीड टू गिव देम फैक्ट्स देखो एक है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक है स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या है बोलो तो <laughs> अरे बोलो <laughs> और जो अड्डा नहीं है उसको हम क्या कहते हैं स्पेशल बिजनेस ये तो ऑर्डिनरी है मतलब आपको पता ही है कि हर एजीएम में हर साल ये होने वाला है बट यहां पे आप कर रहे हो कुछ तो खास नाम में लिखा है स्पेशल बिजनेस और जब भी, भी आप स्पेशल बिजनेस करते हो आपको मेंबर्स की परमिशन लगती है बट मेंबर हाँ या ना कैसे बोलेगा यार उसको खुद को तो कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए ना तब वो हा या ना बोलेगा देखो जैसे कि हर रोज आपकी क्लास सुबह सेवन थर्टी टू फाइव थर्टी है तो घर पे पहुंचते पहुंचते सिक्स थर्टी सेवन हो जाते हैं तो मम्मा को पता ही है कि बच्चा जो सुबह निकला है शाम के सात बजे तक घर आएगा दिस इज समथिंग दैट इज ऑर्डिनरी तो अगर ये ऑर्डनरी है इसके लिए आप नहीं बोलते हाँ मम्मी आज क्लास अभी खत्म हो गई अब मैं निकल रहा हूँ अब मैं रिक्शा में बैठ रहा हूँ अब मैं आऊंगा ऐसा आप नहीं बोलते हो बट से जैसा आज सैटरडे है है ना वैलेंटाइंस <laughs> डे के दिन तो कुछ खास घूमना नहीं हुआ तो अब आप सोच सो कि चलो आज ही मूवी डिनर के लिए चले जाते हैं कल वैसे भी क्लास में छुट्टी है है ना <laughs> <laughs> इमोशनल हो रहा है बच्चा <laughs> है ना तो अब आप सोचते हो कि चलो मूवी डिनर के लिए जाते हैं तो अब देखो इफ समथिंग इज इज हैपनिंग दैट नॉट ऑर्डिनरी आप क्या करते हो आप मम्मा को जब कॉल करते हो और फिर आप इंफॉर्मेशन देते हो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर मम्मी आपको हां बोलती है या ना बोलती है मूवी जा रहे हो या पार्टी जा रहे हो किसके साथ जा रहे हो ग्रुप है या अकेले में जा रहे हो फ्रेंड है या जस्ट फ्रेंड्स है तो बेसिकली इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या होता है मम्मी जो है हा या ना आपको बोलती है सो बेसिकली वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू गिव हर मटीरियल फैक्ट्स यू नीड टू गिव हर वॉट मटीरियल फैक्ट्स और इसी मटीरियल फैक्ट्स के हिसाब से इधर विल से यस और शी विल से नो ऐसे ही यहाँ ना थोड़ी ना बोलेगी आप बोलोगे कि आज मैं सात बजे नहीं होगा रात के एक बजे तक आऊंगा आपको क्या लगता है मम्मी बोलेगी अच्छा ठीक है बेटा और फोन काट देगी उधर ही सो जा <laughs> तब ऐसे केस में सी बात है हा या ना अगर बोलना है उसके लिए मम्मा को भी लगते हैं कुछ मटीरियल फैक्ट बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग इज नॉट नॉर्मल दिस इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर रूटीन वैसे जो आपकी मम्मा है ना आप समझ लो ये हम मेंबर्स हैं कंपनी के साथ जो हो रहा है इज नॉट समथिंग दैट इज ऑर्डिनरी कंपनी के साथ जो हो रहा है इज समथिंग दैट इज स्पेशल अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको आपके मेंबर्स को मटेरियल फैक्ट देना जरूरी है उसी बेसिस पे मेंबर डिसाइड करता है कि हाँ बोलना है या ना बोलना है उसके पहले वो डिसाइड ही नहीं कर सकता ऑर्डिनरी है।, है तो उसको पता ही है यार डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है डिविडेंड डिक्लेयर करना है और हर साल हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसको हम लोग क्या करते हैं करते है करते हैं हैं और अडॉप्ट बट इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स तो अगर डूंगीसी का नाम आप स्वप्निलाइन अंकिता पटनी कर रहे हो आप, आपके आपको पूछेगी वाई वाई यू वॉन्ट टू चेंज नेम इतने सालों से अगर एसपीसी है तो अब क्यों नाम चेंज करना है हमें भी तो बताइए तो हम हाँ या नाम में हमारा कंसेंट देंगे और उसके हिसाब से या तो कंपनी नाम चेंज कर पाएगी या तो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर पाएगी एक चलो फिजिकली हम लोग कैरी आउट करते हैं एक स्पेशल बिजनेस कल भी हमने एग्जाम्पल में देखा था एक स्पेशल बिजनेस हुआ था एचपी की नोटिस मैंने बताई थी आपको अरे बताई थी ना ऐसे क्या कर रहा ये भी एक एजीएम की नोटिस ही है ये भी हम बताएंगे आपको नोटिस ऑफ एजीएम ये वाला इसमें देखो ये स्पेशल बिजनेसेस ये सारे वो स्पेशल बिज़नेसेस है जो हम कंडक्ट करने वाले इन द कंपनी जैसे कि बोरोइंग ऑफ फंड्स ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड करोर्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स कंपनी क्या हर साल डिबेंचर्स इशू नहीं करती है कभी तो भी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो अब ये रेजोल्यूशन पुटअप किया जाएगा मेंबर्स के सामने कि कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने हैं जिसकी वर्थ है बारह मतलब ट्वेल्व थाउजेंड क्रॉस फिर डायरेक्टर बताएगा ये फंड से हम इंडिया भर में इतने पेट्रोल पंप खोलने वाले हैं इतने लाइसेंस इश्यू करने वाले हैं उसके लिए इतना इसके लिए पैसा लगेगा लाइसेंस का इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा इसके लिए इतना पैसा लगेगा इसलिए हमें और पैसे चाहिए ओके okay, और यही पैसे के लिए हम बॉन्ड इशू करना चाहते हैं तो क्या मेंबर आप इसके फेवर में हो या नहीं हो और फिर मेंबर वोट करता है हाँ या ना और उसके हिसाब से डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं ओके okay? जैसे कि एग्जाम्पल परपज चलो एस की यहां पे मीटिंग चालू है यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और आप लोग सब समझ लो एस के हैं मेंबर्स तो अब हम वोटिंग कर रहे हैं अब अड्डा तो हो गया स्पेशल बिजनेस हो रहा है क्या नाम है बेटा आपका दानिश।, दानिश तो uh, से फॉर एग्जाम्पल दानिश क्या आप खड़े हो सकते हो बेटा हाँ इसको भी कवर करना और उसको माइक भी दे दो तो दानिश जो है से फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी का है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओके okay. और एज द सी एफ ओ चीफ ओके आई साइड चीफ, okay, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एंड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दानिश की करेंट सैलरी जो है वो पांच लाख रुपए पर मंथ है बट जो काम किया है ना इसने मतलब वाह क्या बात है एक नंबर मतलब बेस्ट काम किया है उसने तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं ये पांच लाख की सैलरी जो है दानिश की उसको इंक्रीज करके नौ लाख पे लेके आ जाए फॉर द गुड वर्क दैट हीज डन थोड़ा बहुत चार लाख रुपए पर मंथ गया चलता है कोई दिक्कत नहीं है बट जो काम किया है काबिल तारीफ सो so नाउ करोड़ों का फायदा करवाया है तुमने एसपीसी को सो नाउ वी वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट एंड वी डोंट वॉन्ट यू टू यू नो जस्ट स्विच योर जॉब सो पांच लाख से नौ लाख पे आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं बट देखो जब हम ये कर रहे हैं सिर्फ सर ने और मैंने ये चीज चाहने से कुछ नहीं होने वाला है आपको इनको कॉन्फिडेंस में लेना है <laughs> 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 तो अब हमने मीटिंग में बुलाया है ओके okay. और जब हमने मीटिंग में बुलाया है ये सारे मेंबर्स आए और जैसा अगर मैं चेयरमैन हूं मीटिंग की तो मैं कह रही हूं कि मिस्टर दानिश ओके उनकी जो सैलरी है वो पांच लाख रुपए है बट नाउ वी वांट टू इंक्रीज इट वी आर प्रपोजिंग टू गेट इट इंक्रीज टू अपू रुपीज नाइन लैक्स एंड देन आई एम पुटिंग अप द रेजोल्यूशन नाउ यू हैव टू वोट ओके आप मेंबर हो तो अब हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ दानिश फ्रॉम फाइव लैक्स टू नाइन लैख पार्टी पहले अरे फिफ्टी परसेंट ले ले परसेंट आ रहे बट <laughs> पहले बेटा पांच लाख क्या फिफ्टी परसेंट दे रहे हो तो आप चार पचास पे रह जा रहे हो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना पहले इन्वेस्टमेंट दे रहा <laughs> तो वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलो ठीक <laughs> है बताओ how many of you all are in favor of passing this resolution raise your hand come on guys <laughs> क्या बात है यार <laughs> बढ़िया एंड how many of you all are against the resolution raise your hand <laughs> <laughs> और बाकी लोग <laughs> बाकी लोग वोटिंग भी नहीं ना भी नहीं आगी आगी। <laughs> कुछ <laughs> बेटा या तो इस पर रह जाओ या तो उस पर बीच में मत रहो बेटा जो भी है भाई नौ लाख इसको नहीं मिलना चाहिए <laughs> ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे मैं नहीं ये लोग कह रहे हैं मैं तो चाहती हूं कि नौ लाख आपकी सैलरी इंक्रीज हो तो कर देना बट देखो यहाँ पे मैं आपको वही बात बता रही हूँ वो आपको अकेले में मिलना पड़ेगा इसके हवेली में <laughs> अब देखो पांच से नौ लाख पे जब दानिश की सैलरी इंक्रीज की है इसके लिए हमें लगता है एस स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगता है जहां पर सेवेंटी मेंबर्स जो है उन लोगों को हां बोलना चाहिए बाय योर वोटिंग आई थिंक 50 परसेंट सेड यस 50 परसेंट सेड नो तो स्पेशल रेजोल्यूशन वाज नॉट पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वी रिक्वायर द कंसेंट ऑफ 75 परसेंट मेंबर्स अनफॉर्चुनेटली दानिश की सैलरी नौ लाख पे इंक्रीज नहीं हो सकती क्या करें <laughs> कैसे कमी कमी मतलब, हम कैसे कमीनों लोग आप लोग कितने कमीन मतलब भाई हमको मिले ना मिले ये सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए ये पक्की बात है है ना देखे देखे चलो कोई बात नहीं एक बार जोरदार तालियां दानिश के लिए सो यस माय डियर स्टूडेंट सुनो मेरी बात यहां पे क्या होता है हम लोग ऐसे रेजोल्यूशन पुटअप करते हैं और रेजोल्यूशन को पुटअप करने के बाद हम वोटिंग लेते हैं और वोट के बाद डिसाइड होता है कि वो रेजोल्यूशन पास होगा या रेजोल्यूशन पास नहीं होगा बट फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस वॉट यू ऑल्सो रिक्वायर इज टू गिव द मटीरियल फैक्ट्स ये मटेरियल फैक्ट्स नोटिस के साथ ही अटैच किए जाते हैं थ्रू एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या कहते हैं उसको बोलो तो थ्रू एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे मटीरियल फैक्ट्स लिखे जाते हैं जिसके बाद मेंबर डिसाइड करता है वेदर टू तो वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन सो दिस वॉज द ओनली पॉइंट दैट वॉज पेंडिंग इन एक सो दो तो आपने जहां एक सौ दो लिखा है ना अड्डा ऑर्डनरी बिजनेस के नीचे यहां पे आपने ये सब लिखा होगा ना आपके नोटबुक्स के सेकेंड या थर्ड पेज पे होगा शायद से वो आप खुद ढूंढ लो कहां पर है है ना ऑर्डिनरी बिजनेस के वहां पे तो अड्डा लिखा है और स्पेशल बिजनेस के नीचे आपने लिखा है जो अड्डा नहीं है वो क्या है स्पेशल बिजनेस हाँ जो अड्डा नहीं है वो स्पेशल है और जो अड्डा है वो ऑर्डिनरी है ठीक है आप सिर्फ स्पेशल बिजनेस के नीचे लिखो स्पेशल बिजनेस के नीचे प्लीज राइट इट डाउन एवरी स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डोंट टॉक एवरी स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्स एवरी स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट every special business requires an explanatory statement which contains which contains the material facts which contains the material facts तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट सी जो है वो हो चुका है कंप्लीट सेक्शन नंबर वन जीरो सेक्शन नंबर वन यस अब हम बढ़ेंगे आगे टू द सेकेंड सी एंड दैट इज एवरी मीटिंग शल आल्सो बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड आपका फर्स्ट सी के आपके दोनों पेजेस आप अब हो चुके हैं सो नाउ आई वॉन्ट यू ऑल अच्छा सुनो Uh, कुछ बच्चे कल मेरे को बोल रहे थे आई फगोट ये उन लोगों को कॉपी uh, करना था ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे क्लास के बाद आप लोग कुछ आए थे ये आपको करना था क्या कॉपी नहीं ठीक है कोई बात नहीं <laughs> मैं क्या बोलू अभी इसके आगे ठीक <laughs> है अभी नहीं तो लई अभी तो दो लड़के आए थे उन्होंने बोला था हम लोगों को लिखना था बट तब तक मैंने स्ट्रीमिंग भी ऑफ कर दिया था नहीं लिखना है तो ठीक है इसको अगर आप चाहते हो एक काम करो फोटो ले लो इसकी फोटो ले लो अभी तो यूट्यूब पे चालू है आप ले सकते हो फोटो ले लीजिए जिनको लिखना है उनको आपको नहीं लिखना है इट इज ओके आप दिमाग में रजिस्टर करो क्या हाँ ठीक है फिर ठीक है आ जाइए अभी आप लोग दूसरे दो शीट पे आओगे डबल शीट ऑफ पेपर पे, पे द नेक्स्ट सी दट द मीटिंग शेड बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड आ गए क्या आपका एक पेज में होगा सब कुछ अस कस ठीक है उसको रहने दो मैं आपको वहां पे कुछ दूसरा लिखाओगे आप बट नए पेज पे आओ अब डबल शीट पे आओ दूसरा क्या 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 तेरी राइटिंग है या क्या है बता मुझे क्या क्या लिखा है तुमने दूसरी शीट पे आई है डबल शीट ऑफ पेपर वहां पे अगर जगह बची है तो रहने दो आई विल मेक ऑल राइट डाउन सम पास्ट ईयर के आंसर रिलेटिंग टू दो सेक्शन एक सौ एक और एक सौ दो अभी आप लोग नए पेज पे आओ एंड इज डबल शीट ऑफ पेपर जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो क्वेश्चन मत करो भरोसा रखो पिछले पच्चीस सालों से पढ़ा रहे हम <laughs> इसमें बड़ा दिमाग लग रहा है आपका मैम 25 साल से पढ़ा रही है 21 साल की उम्र में सीए बनी होगी तो मैम की क्या उम्र होगी ओके बट दिस इज एक्चुअली माई ट्वेंटी फिफ्थ बैच ऑफ द करियर ये वाली जो बैच है इज माई ट्वेंटी फिफ्थ बैच तो ये तो बात सच है ओके okay. चलो आ जाओ <laughs> okay. तो ओके कमॉन गाइज एवरी मीटिंग शेड ऑल्सो बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बहुत मजेदार सेक्शन है आज के तो एक सौ तीन और एक सौ पांच रिलेटिंग टू कोरम एंड प्रोक्सी और एंड में हम एक सौ चार करेंगे जो चेयरमैन के बारे में बात कर रहा है सबसे पहली बात तो सुनो मेरी बात कोई भी मीटिंग शुरू होने के पहले देर शुड बी सम मिनिमम नंबर ऑफ में मीटिंग देर शुड बी सम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं एज द कोरम क्या कहते हैं इनको कोरम इज नथिंग ट इट इज द मिनिम नंबर ऑफ मेंबर्स हुवायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट अग वैलिडली मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कुछ तो मिनिमम लोग है जिनका होना जरूरी है कोई कुछ भी नहीं लिखेगा आप लोग सिर्फ सुनो सबसे पहली बात तो फॉर अ प्राइवेट कंपनी द कोरम दैट इज रिक्वायर्ड इज टू मेंबर्स हु शुड बी पर्सनली प्रेजेंट एक पर्सन तो खुद के साथ मीटिंग नहीं कर सकता है और इसीलिए हमने कहा है प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम की जो रिक्वायरमेंट है कोरम U यू ओ आर M इज द स्पेलिंग द कोरम दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट एंड द कोरम इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग तो यहां पर कुछ स्लैब्स है यहां पर लॉ मेकर कहता है इफ द नंबर ऑफ मेंस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द कोरम दैट विल बी रिक्वायर्ड एज फाइव मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट और अगर एक हजार से ज्यादा एंड अप टू फाइव थाउजेंड अप टू 5000 so a khazar says zada and it is up to 5000 5, then the quorum that is required is 15 members personally present and if the number of members in the company is more than 5000 then the quorum that is required is 30 members personally present क्या है ये कोरम जब तक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं होता है तब तक आप मीटिंग शुरू ही नहीं कर सकते हो इतने लोग तो कम से कम होना जरूरी है और फिर ही आप मीटिंग की शुरुआत कर सकते हो इसी को हम टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एस कोरम जिसके सारे के सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं सेक्शन नंबर 103 में कौन से सेक्शन नंबर में 103 इज रिलेटिंग टू व्हाट कम ऑन गाइस कोरम कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मीटिंग कोरम अगर नहीं हुआ है ना सपोज से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी में सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 लाख ,00 मेंबर्स है 10 लाख ,00 अब बताओ मेरी कंपनी के लिए कोरम क्या होगा हमज मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है जिसमें कितने मेंबर्स है दस लाख ,00 मतलब क्या मैं वो फाइव थाउजेंड मोर वाले स्लैब में हो व्हाट वुड बी माय कोरम कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं मीटिंग शुरू नहीं कर सकती द मीटिंग विल बी अर्जेंट द मीटिंग विल बी अर्जेंट अर्जेंट मतलब मेरी मीटिंग हो जाएगी पोस्टपोन मेरी मीटिंग क्या हो जाएगी पोस्टपोन और मैं मीटिंग की शुरुआत नहीं कर सकती है. मैम ओ मैम क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि कोई मीटिंग का कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ और उसके वजह से हमें मीटिंग अर्जन करनी पड़ी जी हां आप लोग जानते हो जेट एयरवेज लिमिटेड जेट एयरवेज इज अ पब्लिक कंपनी हाँ जो डूब गई अभी नहीं है खैर बट यस इट वॉज अ कंपनी तो जेट एयरवेज में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ था एंड बिकॉज द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट द मीटिंग हैड टू बी अर्जेंट द मीटिंग हैड टू बी अर्जेंट आपने जी टीवी के बारे में सुना है ये देखो ये पुरानी न्यूज है ऑब्वियसली 2021 की बात है जेट एयरवेज एन्युअल जनरल मीटिंग दिख रहा है आपको वॉज अजर्न अजर्न होना मतलब क्या पोस्टपोन होना ड्यू टू लैक ऑफ कोरम तो जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंडिया भर में बिजनेस रन कर रहे हैं जिनका इतना नाम है ये कंपनीज को भी 103 फॉलो करना पड़ता है तो बाकी कंपनीज तो छोड़ ही दो आप देखो ये भी जी एंटरटेनमेंट कंपनी जो है उन्होंने भी अपनी बोर्ड मीटिंग कैंसिल की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोरम तो जैसे शेयर होल्डर की मीटिंग में कोरम होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी कोरम होता है तो कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है आपकी मीटिंग जो है आप कैरी आउट नहीं कर सकते आपको करना पड़ता है आपकी मीटिंग को अर्जन अर्जन मतलब क्या पोस्टपोन आपकी मीटिंग को क्या करना पड़ता है पोस्टपोन सो टू वॉट डे विल यू पोस्टपोन इट यू विल पोस्टपोन इट टू अदर डे ओके एज द डायरेक्टर्स डिसाइड बट अगर डायरेक्टर्स डिसाइड नहीं करते तो ऑटोमैटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द मीटिंग गेट्स अर्जेंट टू द सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक से आज आज अगर 11 बजे मेरी मीटिंग होने वाली थी चाहिए थे 30 लोग आए बी सी लोग क्या कोरम मिला नहीं तो अब क्या मैं मीटिंग शुरू कर सकती हूं तो मैं क्या करूंगी मीटिंग को करूंगी अर्जन अजर्न करूंगी टू अ डे डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स बट अगर डायरेक्टर्स ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो ऐसे केस में द मीटिंग विल बी अर्जेंट टू द सेम डे डे मतलब आज सैटरडे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक मतलब मेरी मीटिंग अर्जेंट हो जाएगी टू ट्वेंटी फोर्थ फेब सेम टाइम ग्यारह बजे और यही सेम प्लेस सिर्फ इस हफ्ते के बदले मीटिंग कब हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक तो सेवनटीन के बदले मेरी मीटिंग हो जाएगी ऑन द ट्वेंटी फोर्थ गेटिंग ओ माई डियर फ्रेंड्स बट देखो लॉ मेकर भी जानता है कि भाई हम इंडियंस हैं लेट आना हमारे खून में ठीक है ये हमें अपने आप मिल जाता है तब ऐसे केस में वो भी जानते हैं मीटिंग का टाइम ग्यारह बजे दिया है ना ग्यारह बजे तो कोई नहीं आने वाला है ग्यारह मतलब सवा ग्यारह साढ़े ग्यारह है ना तो अब लॉ मेकर कहते हैं ये जो कोरम है यू कैन चेक विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग 11 बजे की अगर शेड्यूल मीटिंग है आपको एग्जैक्ट 11 बजे कोरम चेक करने की जरूरत नहीं है इवन इफ यू चेक इट बाय सॉरी इलेवन थर्टी इट इज ओके कोरम कैन बी चेक विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग कोरम कैन बी चेक विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में कोरम नहीं प्रेजेंट हुआ तो ही आपको आपकी मीटिंग को करना पड़ता है अर्जेंट अर्जेंट टू अ डे डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स बट अगर डायरेक्टर्स चुप है तो सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक ओके अब देखो बट इफ इट इज अग कॉल्ड बाई द में यहां पर मीटिंग डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई है अभी तक हमने एक सौ एक में देखा था मीटिंग कौन बुला रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साइड पर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाने का पावर दिया है दूसरे साइड पर हमने हमारे मेंबर्स को भी मीटिंग बुलाने का पावर दिया है. कौन हो आप लोग ओनर्स हो कंपनी के कौन हो ओनर हो सो as the ओनर ऑफ द कंपनी यू हैव द राइट टू कॉल फॉर अ मीटिंग ये मीटिंग किसने बुलाई है डायरेक्टर्स ने या मेंबर्स ने? मेंबर्स. और मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टर्स को हे डायरेक्टर प्लीज मीटिंग बुलाओ मीटिंग बुलाओ मीटिंग बुलाओ और मेंबर्स ने ये मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर हम कहते हैं द मीटिंग विल बी कैंसिल सिंपल रीजन है सिंपल रीजन देखो ऐसे तो हमारी क्लासेस शेड्यूल्ड है मंडे हैं, हैं, घर पे जाके हमको रिविजन कुछ नहीं करना है आप क्या करो ना संडे के दिन क्लास ले लो उसी दिन रिविजन करा दो राइटिंग प्रैक्टिस करा दो जो होमवर्क के क्वेश्चन आपने बोले थे वो करा लो हमको घर पे कुछ नहीं करना एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल से डर लगता है डोंट वरी ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर जस्ट काल्पनिक वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है संडे आप भी इंजॉय करो मेरे को भी इंजॉय करने दो ठीक है हर संडे तो नहीं होगा कुछ संडे हो गए जहाँ मरना है हमें <laughs> क्या करें अभी वेलकम टू सीए कोर्स इज द ओनली थिंग ऐसा कुछ नहीं है सुनो 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 सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मैं कहती हूँ ठीक है बेटा कल हम लोग क्लास ले लेते हैं अब मैं तो आ गई ना टाइम पे क्लास पे बस आप लोग मस्त घूम रहे <laughs> मुझे क्या पता वो आपको पता अब कोई नहीं आया क्लास में मैं वेट कर रही कर रही कर रही कोई नहीं आया क्लास में अब संडे तो हो गया मंडे के दिन जब मैं क्लास में आती हूँ आप लोग आए मेरे पास और बोला मैम क्या बताए क्लास आने ही वाले थे बट गिर गए और लग गए हमें हाँ <laughs> पलंग पे गिर गए और आग लग गई <laughs> <laughs> तो आने की इच्छा तो बहुत थी मैम बट आ नहीं पाया हम अगला संडे पक्का आएंगे पक्का मम्मी कसम अब आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों को विश्वास करूंगी और अगले संडे आऊंगी आपने बुलाई गई मीटिंग पे आप नहीं आ सकते तो क्या सिंसरिटी है मीटिंग कैंसिल कैंसिल समझ लो वही सेम लॉजिक यहां पे है ये मीटिंग जो है मेंबर्स की डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई है ये मीटिंग किसने बुलाई है हमारे मेंबर्स ने मेंबर्स ने बुलाई हुई मीटिंग में अगर मेंबर ही नहीं आ रहे तो एडजर्टमेंट का चांस ही नहीं है

मेरी कंपनी में एग्जैक्टली वन थाउजेंड है कितना फाइव या फिफ्टीन इट इज फाइव एग्जैक्टली पांच हजार है फिफ्टीन, फिफ्टीन। पांच हजार एक है दस लाख है दस करोड़ है मेरी पब्लिक कंपनी है पच्चीस लोग है पाँग। कितना और मेरी प्राइवेट कंपनी है एक सौ अस्सी लोग है अरे फिर भी क्या रहेगा टू एक बार इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू यही पूछ लिया बट जैसे मैंने तो आपको क्वेश्चन पूछते पूछते इमोशनल होकर बोल दिया प्राइवेट कंपनी बट इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा यू आर सपोज टू रीड बिटवीन द लाइंस। इंस्टीट्यूट कहेगा एक्स प्राइवेट लिमिटेड हैज मेंबर्स लिमिटेडर्स अपन एटी एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग वॉट इज द कोरम रिक्वायर्ड हा द आंसर इज टू ऑप्शन हो गए टू फाइव फिफ्टीन थर्टी आंसर वाई टू एंड वाई नॉट फाइव बिकॉज कंपनी का नाम देखो एक्स प्राइवेट लिमिटेड यूजअली क्या होता है इन दैट प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन आप रीड करते हो अपू मतलब वन एटी मेंगेट टू अंडरस्टैंड वॉट इज अम ऑफ द कंपनी एंड इट्स टाइप तो पहले ये समझो और समझने की कोशिश करो कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कोरम पांच पंद्रह तीस है या कोरम टू है तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक सौ अस्सी भी लोग हैं तो भी कोरम जो रहेगा वो क्या रहेगा अच्छा पब्लिक कंपनी है दस मेंबर्स है कोरम कितना होगा पब्लिक कंपनी है आ, आ, मेंबर्स है से टू थाउजेंड कोरम कितना है पब्लिक कंपनी है पांच मेंबर्स है मार खाओगे, मार खाओगे तो लो, हो गए ना इमोशनल पब्लिक कंपनी में क्या पांच मेंबर्स हो सकते हैं yes. पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स yes. सेवन लगते हैं सेवन वॉट इज प्राइवेट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन नंबर थ्री प्राइवेट कंपनी को दो लोग लगते हैं पब्लिक कंपनी को सात लोग लगते हैं ओपीसी को एक क्या पांच लोग हो सकते हैं yeah. मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है yeah. तो कैसे आपको बोलना चाहिए मैम रॉन्ग क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स न्यू कोर्स में ग्रेस मार्क्स जैसा कुछ फंडा ही नहीं है ऐसा हाँ फिर भी नहीं है कुछ नहीं है सेवन सेवन मेंबर्स मिनिमम होते हैं इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी जिसके लिए कोरम क्या रिक्वायर्ड होगा फाइव कितना होगा एक बात बताओ ये जो रिक्वायरमेंट है जो मैंने यहां पे कहा है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है सो अकॉर्डिंग टू वन जीरो थ्री द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज रिक्वायर्ड इज फाइव फिफ्टीन थर्टी और इज टू इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आई वॉन्ट टू आस्क यू अगर मैं चाहूं कि आपने आर्टिकल्स में इससे ज्यादा नंबर लिख सकते हो जैसे कि मेरी एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मैंने कहा मेरे को कोरम दो नहीं चाहिए मेरे को कोरम चार चाहिए क्या ऐसा मैं लिख सकती हूं और अगर मेरी से एसपीसी पब्लिक कंपनी होती तो मैं कहती पांच पंद्रह तीस नहीं मेरे को चाहिए दस बीस और पचास क्या मैं ये चीज लिख सकती हूं इज माय क्वेश्चन टू यू बट आई एम ओवर राइडिंग द एक्ट आई एम आई ओवर राइडिंग द एक्ट बाय राइटिंग दिस एम आई ओवर राइडिंग द एक्ट नो असल कैसा बेटा फोन रख दो अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है या कैसा रिक्वायरमेंट है अगर मैं मेरे आर्टिकल्स में लिखती हूं मेरे को चाहिए मिनिमम चार लोग मिनिमम चार में ऑटोमेटिकली मिनिमम दो तो सेटिस्फाई हो ही जाता है सो बाय दिस प्रोविजन आई एम नॉट ओवर द एक्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा था सेक्शन नंबर सिक्स एक्ट है आर्टिकल्स है एक्ट है आर्टिकल्स है द एक्ट विल ऑलवेज ओवर द आर्टिकल्स एक्ट ऑल्सो ओवरराइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी एक्ट में लिखा है वो फिक्स है आप आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के द्वारा इन प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकते तो यहां पर जब मैं चार लिखती हूं आई एम स्टिल फॉलोइंग द एक्ट आई एम स्टिल फॉलोइंग द एक्ट आई एम स्टिल फॉलोइंग द एक्ट तो एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है सपोज मेरी मीटिंग में तीन ही लोग आए मैंने एक्ट में देखा है दो लोग लगते हैं बट मैंने आर्टिकल्स में लिखा है कि मेरे को कम से कम चार लोग चाहिए और आ गए तीन लोग आप बताओ कोरम का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है हमने ऑफ योलाइंग हुआ है हैंड वर्चुअल किच आप लोग भी जवाब दो हमने ऑफ योलाइंग कोरम का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुआ है फुल्ड इट इज ओके बी कॉन्फिडेंट एंड हाउ मनी ऑफ योर अर सिंग कोरम का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है आई थिंक मेजोरिटी ऑफ योर अर सिंग नहीं हुआ है क्यों बता सकते हो बट एक्ट तो कहता है ना दो लोग चाहिए तो मैं एक्ट को तो फॉलो ही कर रही हूं ना तीन लोग तो आ ही गए किसको फॉलो नहीं किया एओ को फॉलो नहीं किया बट अरे मैं एक्ट को फॉलो कर रही हूं तुम क्या छोटी बात कर रहे हो एओए हम तो एक्ट की बात कर रहे बैक बेंचर्स हो नहीं हो कोरम सेटिस्फाई हुआ है नहीं हुआ नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि एओए के रिक्वायरमेंट को आपने पूरा नहीं किया है एंड द करेक्ट आंसर इज द रिक्वायरमेंट फॉर कोरम हैज नॉट बीन सैटिस्फाइड सो मेजोरिटी ऑफ योल आर करेक्ट क्या बात है वेरी गुड वर्चुअल किड्स में भी मेजोरिटी ऑफ यूल हैव गिवन द आंसर करेक्टली वेरी गुड सो प्राउड ऑफ योल तो बेसिकली चॉइस नहीं है चॉइस नहीं है एक्ट फॉलो करे आर्टिकल्स इट्स नॉट अ चॉइस यू हैव टू फॉलो बोथ एट एज वेल एज द आर्टिकल्स और दोनों के हिसाब से बेटा कुछ हुआ है यहां पे <laughs> क्या हुआ एसी बंद है <laughs> तो एसी बहुत ठंडा है आपको ठंड लग रही है एसी की हवा से उनको बहुत ठंड लग रही है एक काम करती हूँ लॉ पढ़ाना छोड़ देती हूं बैठ जाती हूँ अमर देखो तो उधर क्या प्रॉब्लम है उनको ठंडी लग रही गर्मी लग रही क्या एसी बढ़ाना है कम करना है अमर को बोलो बेटा अमर को हाँ जब ब्रेक रहता है ना ब्रेक तब आप उसको बोला करो बोले थे आपने बट आपके जो पीछे बैठे हुए बॉयज वो बोल रहे नहीं नहीं मैम हमको ठीक लग रहा है ये लड़कों ने बोला अभी जब आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे ऐसे बोल रहे थे मुझे तो अभी आप आपस में डिसाइड कर लो क्या करना है फिर अमर को बोला वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है ठीक <laughs> करते बैठे <मैं> <laughs> वो गया है बाहर सेटिंग्स चेंज करने के लिए कुछ रहा तो आप उसको बता दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट देन तुम लोग भी फिर क्लासरूम में उसी जगह पे बैठो जहां पे आपको ठंडी सहन होती ही, नहीं होती है क्या गर्म ठंडा जो भी है उस हिसाब से आप डिसाइड करो जिंदगी में बहुत भी भी थे थे। <laughs> <भी> नहीं रहे <laughs> बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में चर्चा कर लिया और आगे बढ़ना है क्या ठंडा गर्म चर्चा कर रहे हो तुम लोग <laughs> <laughs> <गर्णी> ओके <नहीं रहे। laughs> आ जाइए देखो मैं से एक बार समझा देती हूं यहां पर आर्टिकल्स में हमने चार लोग लिखा है और एक्ट कहती है कोरम इज टू आए तीन लोग दिस कोरम विल नॉट बी वैलिड Why दिस कोरम इज नॉट वैलिड इसका रीजन ये है एक्ट के साथ साथ आर्टिकल्स को भी फॉलो करना जरूरी है सिर्फ एक्ट फॉलो किया इससे बात नहीं बनेगी एक्ट के साथ साथ जब आप आर्टिकल्स फॉलो कर रहे हो इस केस में हमारा कंक्लूजन है कि हमारे लिए कोरम इज फोर मेंबर्स और आए कितने लोग तीन लोग आए और क्योंकि तीन ही लोग आए दिस कोरम विल नॉट बी अ वैलिड कोरम और आपको मीटिंग क्या करनी पड़ेगी अर्जर्न करनी पड़ेगी मीटिंग क्या करनी पड़ेगी अर्जर्न अर्जर्न टू सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक अच्छा चलो कोरम चाहिए था तीस लोगों का मैंने कहा आए बीस लोग तो इससे क्या हो जाएगा मीटिंग क्या हो जाएगी अर्ज अर्जर्न मीटिंग में तो पंद्रह ही लोग आए क्या खेलते बैठे गए अर्जेंट पे अर्जेंट अर्जेंट पे अर्जंट अर्जेंट पे अर्जंट भाई <laughs> तो अब लॉ मेकर कहते हैं ये सेंटेंस को प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बिकॉज इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन सवाल पूछता है एट द अर्जेंट मीटिंग मैं लिखवाऊंगी आपको अभी सिर्फ सुनो डोंट टॉक एट द अर्जंट मीटिंग अर्जेंट मीटिंग मतलब ये ओरिजिनल मीटिंग है या अर्जेंट मीटिंग है एट द अर्जंट मीटिंग ऑल्सो द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट क्या मेरा केस यही केस है ओरिजिनली मीटिंग में कितने लोग चाहिए थे थर्टी आए कितने तो क्या मैंने मीटिंग को अर्जेंट किया और अर्जेंट मीटिंग में कितने आए एट द अर्जंट मीटिंग ऑल्सो द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट द कोरम वॉज नॉट प्रेजेंट देन देन द मेंबर्स प्रेजेंट तो कितने लोग प्रेजेंट है यहां पर पंद्रह शैल बी कंसिडर्ड एज कोरम तो माना जाएगा कोरम प्रेजेंट है और आप ये मीटिंग जो है वो शुरू कर सकते हो वेन विल दिस हैपन इफ दिस इज अ मीटिंग विच इज एन अर्जेंट मीटिंग अब इसमें भी और एक कैच है दिस मीटिंग इज एन अर्जेंट मीटिंग अर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम अर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम मतलब ओरिजिनली जो आपने मीटिंग बुलाई थी उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं था जिसके वजह से आपने मीटिंग को क्या किया अर्जंट और इस अर्जंट मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट है उनको हम कंसिडर करेंगे एज कोरम सो बेसिकली किस रीजन के वजह से मीटिंग अर्जंट हुई है वॉन्ट ऑफ कोरम तभी हम कहेंगे इस अर्जेंट मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट है विल बी कंसिडर्ड एज अ कोरम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी बता दिया और बताए हम से हमारी कंपनी के केस में जो कोरम लग रहा था पंद्रह लोग थे बट आए कितने लोग आए सिर्फ दस लोग क्या कोरम है अरे कोरम है या नहीं है और क्योंकि कोरम नहीं है क्या आपको मीटिंग अर्जंट करनी पड़ेगी अर्जंट मीटिंग में सात ही लोग आए क्या मैं मीटिंग शुरू कर सकती हूं द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस Why? क्योंकि ये वो मीटिंग है जो अर्जन हुई थी फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम तो उसमें जितने लोग प्रेजेंट है उनको कंसिडर किया जाएगा एज कोरम द मेम्बर्स प्रेजेंट शी कंसिडर्ड एज कोरम सेकेंड केस देखते लेट शेग आउट पंद्रह लोग चाहिए थे आए कितने दस लोग कोरम मिला है कोरम नहीं।, नहीं मिला तो क्या मीटिंग एजेंड करेंगे मीटिंग एडेंड करके एडेंट मीटिंग में एक ही बंदा आया क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं कर सकते है क्या क्यों नहीं कर सकते द मेंबर्स प्रेजेंट शल बी कंसिडर्ड एज कोरम मेंबर्स सिंगुलर वर्ड है या प्यूरल है मतलब क्या कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है बट है कितने लोग तो क्या ये मीटिंग वैलिड होगी इसको भी क्या और अर्जन किया जाएगा तब तक अड्डन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक कम से कम दो लोग नहीं आते तो कोई भी मीटिंग होने के लिए डे वन का सेशन कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है कोई भी मीटिंग वैलिड होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है समझ में आई बात एक आखिरी केस लेट्स ये कौन जवाब दे सकता है ना आवाज में कुछ तो प्रॉब्लम है यार ठीक तो चेक चेक माइक चेक ठीक है सुनो ना यहां पे यहां पे क्या हुआ है रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर डोंट प्रोम द आंसर ठीक है क्या हुआ <coughs> मीटिंग मैंने बुलाई है जिसके लिए मेरे को कोरम लगता है पंद्रह लोगों का कितने लोगों का कोरम चाहिए आए कितने लोग पच्चीस लोग आए मीटिंग मैंने शुरू भी कर दी बट उसी दिन क्या हुआ था देर वॉज इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गया अब जैसे इंडिया हार गया लोग इमोशनल हो गए मेंबर्स भी इमोशनल हो गए मेंबर्स ना इमोशनल हो के बेंचेस पछाड़ रहे चेयर्स फेंक रहे चेयर्स तोड़ रहे एक दूसरे के ऊपर बॉटल फेंक रहे लग गए ना लोगों को कुछ मेंबर्स तो पूरे लहूलुहान हो गए अब ऐसी सिचुएशन में देख लू कि मेंबर तोड़ा फोड़ी मारा मारी पूरा शोर मच गया है अब ऐसे केस में मैं ये तो नहीं कहूंगी नहीं 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 नहीं, हे मेंबर कोरम प्रेजेंट है रुक जाओ मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी क्या मैं ये कहूंगी एज अ चेयरमैन जो मैं ये देख रही हूं मीटिंग अर्जेंट ये सिचुएशन देख के लोग डर गए बीपी हाई हो गया बहुत लोगों का और अर्जेंट मीटिंग में माई डियर स्टूडेंट्स आई बस पांच लोग अब आप बताओ ये जो पांच लोग आए हैं क्या हम इनको वैलिड कोरम कंसिडर करेंगे या नहीं? नहीं हाँ या ना, ना। हाँ? बोलो ना नहीं करेंगे माइक उधर दो क्यों नहीं करेंगे बेटा एक मिनट एक मिनट मैं माइक आपके पास देती हूं वहां पे बोलिए हमारा वर्चुअल क्राउड भी आपको सुनना चाहता है हां बोलो बेटा ये मीटिंग वैलिड है या नहीं है नहीं वैलिड नहीं है बट अरे अर्जुन मीटिंग में जितने लोग है उनको कोरम कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि हमने बोला था ऑफ कोरम मतलब अगर पहली मीटिंग हमने सिर्फ कोरम नहीं था इसलिए अगर कैंसिल किए तो ही सेकेंड मीटिंग पे हम कोरम मानेंगे उनको लेकिन हमने मीटिंग कुछ और रिजन के कारण कैंसिल की थी इसलिए हम नहीं मानेंगे क्या कह रही है ये सही कह रही है क्या नाम है बेटा आपका पायल गनोजे कहाँ से हो आप Uh, मुर्तिजापुर अकोला अकोला से क्या बात है यार एक बार जोरदार तालिया पायल के लिए क्या बोला है इससे जवाब वेरी गुड बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू मजा आ गया आपका आंसर सुन के सुनो ये कहती क्या बैठ जाओ बेटा ये कहती है कि मैम हमारी जो ओरिजिनल मीटिंग है वो कोरम के रिक्वायरमेंट की वजह से पोस्टपोन नहीं।, नहीं हुई है वो कोई और रीजन की वजह से पोस्टपोन हुई है इसलिए इस मीटिंग में हम ये नहीं मान सकते कि पांच लोग ही कोरम है यहां पर कोरम प्रेजेंट नहीं है और यहां पे अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है मतलब वापस से क्या होगा अब मीटिंग हो जाएगी अर्जंट अब ये अर्जेंट मीटिंग में तो चार ही लोग हैं अब क्या होगा पांच लोगों के लिए बोल रहे कोरम नहीं है और चार लोगों के लिए बोल रहे कोरम है वाह ऐसे कैसे क्योंकि अब आप देखो ये वाली जो मीटिंग है जिसमें बस चार ही लोग हैं। दिस मीटिंग वॉज अ मीटिंग विच वॉज अर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम इसलिए इस मीटिंग में हम ये मानेंगे जो लोग प्रेजेंट है वही कोरम है जो लोग प्रेजेंट है वही कोरम है एंड दस दिस मीटिंग विल बी अट मीटिंग अब इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है समझ में आया आप लोगों को पक्का हंड्रेड परसेंट आ जाइए आपके बुक्स पे नोटबुक्स पे आपने डबल शीट ऑफ पेपर पे सेकंड हेडिंग दे दिया है द मीटिंग शल बी लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड आधे घंटे से लगा इसको हटा देती हूं मैं क्या हुआ बेटा क्यों बातें कर रहे हो हाँ बोलो ना बेटा फीस मेरे को दी है ना हाँ बोलो विच सेकेंड पॉइंट इसमें हाँ लीगल रिक्वायरमेंट we... ना सेक्शन नाइनटी सिक्स कहता है हर साल में एक ए जी एम होना जरूरी है अगर आप एजीएम कंडक्ट नहीं करते हो तो आपको फाइन और पेनल्टी लग जाएगा क्योंकि मेंबर्स आ दो ओनर्स उनको पता होना चाहिए और अगर एक्ट नहीं कह दिया कैंसिल कर दो तो डायरेक्टर्स तो खुश हो जाएंगे हमने एक्ट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है मेंबर्स yeah. तो एटीट्यूड भी वही होगा ना हम कहेंगे तुम पोस्टपोन करते जाओ जब तक कम से कम दो लोग नहीं आते और ऐसा सिचुएशन कभी आता नहीं है मैं आपको बताती हूं क्यों क्योंकि यूजुअली जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं इवन दो इन्वेस्ट इन द कंपनी कोई भी कंपनी को आप देख लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश भाई ने भी इन्वेस्ट किया है नीता जी ने भी इन्वेस्ट किया है और उनके तीनों बच्चों ने भी इन्वेस्ट किया है तो पांच लोग तो यही होगा जो मीटिंग में प्रेजेंट है उसके अलावा भी लोग आते हैं खाना पीना सच में आते हैं लोग उसके लिए मस्त आएंगे खाएंगे पिए मजे ले गए और चले जाएंगे वसूल हो जाएगा शेयर का पैसा क्योंकि तो एक शेयर भी लिया है तो आपको नोटिस मिलने वाली है जाओ फिर मीटिंग में मजे करके आ जाओ अब वो आप कैलकुलेट करो ना उतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा चलो आ जाइए लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड उसका पहला हिस्सा कमॉन गाइस इज दैट द मीटिंग शल है प्रॉपर कोरम प्रॉपर कोरम होना जरूरी है सेक्शन नंबर प्रॉपर कोरम का एक सौ तीन है तो मैंने हेडिंग्स कल ब्लू में दिए थे मैं वही हैरारकी को फॉलो कर रही हूं प्रॉपर कोरम सेक्शन नंबर 103। कोरम के लिए बताओ मुझे प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम क्या है सिर्फ टू मत लिखना मैं को आपको कुछ बताना है आगे भी टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट क्योंकि इसी के बाद 105 है जो प्रोक्सीज के बारे में बात करता है तब को आपको बताना है प्रोक्सीज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट सो इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पज तो आप प्राइवेट कंपनी लिखियो और आ, उसके नीचे लिखो टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट और पब्लिक कंपनी के लिए क्या है कोरम बता तो इट्स फाइव फिफ्टीन और थर्टी फाइव फिफ्टीन थर्टी इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू वन थाउजेंड इट इज फाइव मोर देन वन थाउजेंड And up to 5000, then the quorum will be 15. And if it is more than 5000, then the quorum that will be is going to be 30 members personally present. Yapka first point. Hai. सेकेंड पॉइंट लिखिए कोरम के लिए कोरम कब चेक करते हो विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर कब चेक करते हो विद इन द फर्स्ट पॉइंट नंबर टू सो कोरम इज या तो सुनो दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि समरी नोट है पहले तो कोरम इज चेक विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर बट आप लोग जानते हो इफ विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर कोरम इज नॉट प्रेजेंट मीटिंग शेल बी अर्जंट द मीटिंग विल बी अर्जन पोस्टपोन मत बोलो लीगल टर्म क्या है अर्जंट तो आप क्या बोलोगे अर्जंट हां बट इफ इट इज अटिंग कॉल्ड बाय द में कोरम प्रेजेंट नहीं है देन द मीटिंग शल स्टैंड कैंसल तो इसलिए पॉइंट नंबर टू लिखो दोनों को कंबाइन करके मैं बता रही हूं पॉइंट नंबर टू लिखो इफ विद इन हाफ एन आवर इफ विद इन हाफ एन आवर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इफ विद इन हाफ एन आवर कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन इसके बाद ना देन के बाद नेक्स्ट लाइन पे आओ नेक्स्ट लाइन पे क्योंकि हमें इसके दो बच्चे बनाने हैं कि मीटिंग डायरेक्टर ने बुलाई है या मीटिंग मेंबर्स ने बुलाई क्योंकि दोनों के इफेक्ट्स क्या अलग अलग है तो इतना आप लिख लो इफ विद इन हाफ एन आवर द कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन नेक्स्ट लाइन पे आओ नेक्स्ट लाइन पे देन इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव इट एज स्मॉल ए या ऐसा कुछ देन मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स

इन अदर केसेस बोलो अदर केसेस क्या होगा क्या होगा मीटिंग क्या हो जाएगी अजोन हो जाएगी इन अदर केसेस कौन आ द मीटिंग शाल बी Ajahn. रिहान रिहान खान कोई है क्या क्लास में बेटा आपके पापा बाहर आए आपको बुला रहे और एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखो आप पॉइंट नंबर थ्री उसके लिए आप लिखो इफ एट द अर्जंट मीटिंग इफ एट द अर्जंट मीटिंग ऑल्सो ये वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा ना था ना तब इफ एट द अर्जेंट मीटिंग अर्जेंट मीटिंग के वहां पर ब्रैकेट में लिखो फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम इफ एट द अर्जेंट मीटिंग इफ एट द अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो अर्जेंट किस रीजन के लिए फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम इफ एट द अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो वहां पर आपने सिर्फ ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए लिखा है अर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम ओके सो इफ एट द अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन वॉट विल हैपन देन मेंबर्स प्रेजेंट शाल बी कोरम शाल बी द कोरम एक बात बताओ मुझे कैन वन बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कि एक कंपनी है क्या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है या कोई एलएलपी है क्या दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है क्योंकि कंपनीज एल एल पी आर देर सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ कैन दे बाय एसेट्स इन देर ओन नेम कैन दे इनकर लाइबिलिटीज इन देर ओन नेम कैन दे स्यू इन देअर ओन नेम और बी स्यूड इन देअर ओन नेम तो कल जाके एक कंपनी है क्या वो दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है yes. तो क्या ये कंपनी वो दूसरी कंपनी की मेंबर बन गई एज अ मेंबर क्या आपको नोटिस मिलेगी yes. अगर नोटिस मिलेगी क्या आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो बट अब आप तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस के शेयर खरीदे रिलायंस की अगर एजीएम आ रही है क्या एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को मिलेगा रिलायंस की एजीएम का नोटिस अरे मिलेगा या नहीं तो क्या एसपीसी विल बी अलाउड टू गो इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग बट क्या एसपीसी खुद चल के जा सकता है क्योंकि एसपीसी क्या है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल पर्सन तो उसके हाथ पैर है ही नहीं जो वो खुद चल के मीटिंग में जा सकता है तो ऐसे केस में हम करें तो क्या करें ऐसे केस में होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव इज लाइक अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अ रिप्रेजेंटेटिव इज लाइक अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट यूजुअली रिप्रेजेंटेटिव दो केसेस में अपॉइंट होते हैं पहली बात तो अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो आप कौन हो एक बॉडी कॉर्पोरेट या तो फिर कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करते हैं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ऐसा हो सकता है कि आपके कंपनी में शेयर्स किसने खरीदे गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने अरे इससे तो गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है अच्छा ठीक है गवर्नमेंट कंपनी में तो मोर देन फिफ्टी वन परसेंट है बट अदरवाइज भी कोई कंपनी में दस परसेंट किसी में बीस परसेंट किसी में तीस परसेंट क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आपके कंपनी में किया है इन्वेस्ट कैसा हो सकता है बोलो ना अगर गवर्नमेंट ने पैसा डाला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा डालता है किसके नाम पे शेयर्स खरीदे जाते हैं ट ऑफ इंडिया के नाम पे पता है आपको कि नहीं पता है एक एक मिनट वेबसाइट है आप कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो देखो ये स्क्रीनर डॉट इन से दिस इज स्क्रीनर डॉट इन कोल इंडिया अब देखो ये कोल इंडिया लिमिटेड ठीक है ये कोल इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप है टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड इलेवन क्रॉस उसका करंट प्राइस है पर शेयर प्राइस इज फोर एटी हाई फोर एटी एट लो दो सौ आठ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज रुपीज टेन ये सब उसके कॉम्पिटिटर्स इनका क्वार्टरली रिजल्ट उनके सेल्स एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना डिप्रीसिएशन कितना इंटरेस्ट ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर्स, डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज ये कंपनी की बैलेंस शीट इक्विटी रिजर्व ये सारे पिछले आठ दस सालों के ये कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके कुछ रेशियोज है ये देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट में इधर का होगा ये डिसम्बर 2023 दिख रहा है आपको लेटेस्ट लेटेस्ट हम फेब 2024 में है में दिस इज डिसमेंबर 2023 ट्वेंटी 2023 डिसेंबर में अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो है इस कंपनी में है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी एंड देफो दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी जब आप देखते ना किसी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शेयर्स खरीदे ये लाइफ डेटा है प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा और ये चीजों को कभी आप भूलोगे नहीं नहीं तो जब आप सिर्फ बुक का नॉलेज पढ़ते जाओगे सिर्फ ये नॉर्मल एग्जाम्पल्स देखते जाओगे आज नहीं तो कल आप भूलोगे बट जब आप देखोगे हां कंपनीज एक्ट क्यों आई थी ये सत्यम का केस बताया था अरे मैम ने रिलायंस की एजीएम बताई थी ये चीजें आपको जिंदगी भर याद रहेगी इसको याद करना नहीं पड़ता है ये याद हो जाती है सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली लर्न द कंपनीज एक्ट देखो फाउंडेशन लेवल में ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे नहीं सकते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप एक्ट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिटवीन टू पीपल एंड इट वॉज अ जनरल लॉ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा आप सब कुछ चेंज कर सकते थे आप एक्ट तो तभी फॉलो करते थे जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होता है बट कंपनीज एक्ट इज अ स्पेसिफिक लॉ एवरी कंपनी

चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है ओपीसी है स्मॉल है लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन डज नॉट मैटर एवरी कंपनी हैज़ टू फॉलो द कंपनी और जब शेयर्स खरीदे जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज एक्चुअली इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अगर स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स होल्ड करता है देन इट इज इन द नेम ऑफ द गवर्नर यहां पे 66.13 परसेंट स्टेक जो है वो किसने होल्ड किया है किसने होल्ड किया है होल्ड किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब ही सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बताओ प्रैक्टिकली भी क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए अरे हुआ है या नहीं हुआ है स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जब शेयर होल्ड करता है दे हैव बिकम द मेंबर बताओ मुझे क्या यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोल इंडिया लिमिटेड का मेंबर बना है या नहीं बना है अरे बोलो ना अगर प्रेसिडेंट ने 66 परसेंट स्टेक होल्ड किया है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बना है या नहीं बना है द मेंबर ऑफ कोल इंडिया और अगर मेंबर बना है क्या उसको नोटिस मिलेगी और अगर नोटिस मिलेगी तो वो मीटिंग भी अटेंड कर सकता है बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जाएगा स्टेट गवर्नमेंट कैसे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक कॉरपोरेट सोल है सेंट्रल गवर्नमेंट हम ये नहीं कह सकते ये सेंट्रल गवर्नमेंट है समझ आप तब ऐसे केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग अटेंड कर सकता है एज अ मेंबर हु विल गो ऑन बिहाफ ऑफ देम इट इज देर रीप्रेजेंटेटिव इट इज देर ऐसे लोगों के जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन जाता है और जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं ऐसा माना जाएगा ये 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 लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये है ये है बल्कि मेंबर मेंबर खुद खुद जो जा रहे हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और अगर रिप्रेजेंटेटिव इज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल दे बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पज बोलो ना yes. वैसे ही एसपीसी चल के जा सकता है क्या बट yes. एसपीसी क्या करेगा एसपीसी में भी स्वप्निल so सर को अपॉइंट करेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरह और जब एसपी सर आएंगे माना जाएगा वो एसपी सर नहीं है वो एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड है जब एसपी सर वोट कर रहे हैं तो माना जाएगा एसपी सर वोट नहीं कर रहे एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड वोट कर रहा है उसी लॉजिक से आप बताओ अगर ये रिप्रेजेंटेटिव आया है कोई कंपनी का कोई एलएलपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का क्या ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है और अगर ये मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है तो मतलब क्या हम इनको कोरम में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे इनको हम कोरम में काउंट करेंगे दे विल बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पज दे विल बी काउंटेड फॉर दे विल बी काउंटेड फॉर बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अच्छा एक केस में क्या हुआ चलो एक है एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड एक है एपीसी प्राइवेट लिमिटेड एसपीसी ने भी स्वप्निल सर को रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपॉइंट किया एपीसी ने भी स्वप्निल सर को ही रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपॉइंट किया अब स्वप्निल सर मीटिंग में आए क्वेश्चन ये है जब चेयरमैन कोरम चेक कर रहा है वो स्वप्निल सर को कोरम के लिए एक मानेगा या दो मानेगा मानेगे ही नहीं वाह इसलिए इंस्टीट्यूट आप जैसे बच्चों के लिए डालता है नन ऑफ द अबाव वाला गोला हाउ मनी ऑफ ऑल आर इन फेवर ऑफ स्वप्निल सर विल बी काउंटेड एज वन रेज योर एंड एंड हाउ मनी ऑफ यूर आर सेइंग टू ओके सो ये बैच बहुत हुशार बैच है यार मेजोरिटी ऑफ ऑल र करेक्ट ही विल बी काउंटेड एज टू फॉर कोरम पर्पज हम स्वप्निल सर को एक नहीं मानेगे स्वप्निल सर को दो मानेगे बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग स्वप्निल पटनी क्लासेज एज वेल एज अंकदा पटनी क्लासेस सो ही विल बी कंसिडर्ड एज टू ही कंसिडर्ड एज टू क्या बेटा कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक बंदा दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो रिप्रेजेंटेटिव को तो ऐसा ही वोटिंग करना पड़ेगा जैसे कंपनी उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है तो अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आई वॉन्ट इन फेवर ही विल वोट फॉर मी इन फेवर अगर एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड ने बोला है वो वॉन्ट टू वोट अगेंस्ट सो ही विल वोट अगेंस्ट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अदरवाइज भी वैसे ही वोटिंग होने वाला है कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट होगा इंटरेस्ट नहीं देन दे विल कॉल फॉर अ पोल बिकॉज शो ऑफ एंड से तो ऐसा तो नहीं होगा ऐसा ऐसा है ना तो इसलिए क्या होगा वी विल कॉल फॉर अ पोल एंड देन वी विल वोट बाय पोल एंड अकॉर्डिंगली जितने आपके शेयर्स है जो कंपनी के बी पे उसके हिसाब से आप वोट करोगे ठीक है हाँ बेटा बोलो बोला हुआ है टेन परसेंट लोग आगे सेक्शन नंबर हंड्रेड है उसमें हम पढ़ाएंगे तो आप रुक जाओ उसको टाइम है अभी अभी हम एक सौ एक से वन ट्वेंटी टू तक जाएंगे फिर इसी चैप्टर में एट्टी एट से सेक्शन नंबर हंड्रेड इज रिलेटिंग टू रजिस्टर्स रिटर्न एंड दीज मीटिंग्स का टाइम लिमिट सो देर इज अ फ्लो इट विल कम इन दिस चैप्टर ओनली सो जस्ट वेट So, सुनो ना स्वप्निन so सर को एक नहीं कंसिडर किया जाएगा कितने लोग काउंट किए जाएंगे टू दिस इज सेक्शन नंबर वन वन टू एंड वन वन थ्री तो ऐसे करके हमारे तीन सेक्शन हो गए एक सौ तीन एक सौ बारह और एक सौ तेरह देखो चलो और उसके बाद एक पांच मिनट का शॉर्ट ब्रेक होगा कोई गवर्नर हाँ वही स्टेट गवर्नमेंट होगा उसकी डिटेल्स यहां पे नहीं दिए यहां पे आ जाओ ना वन वन टू वन वन थ्री लिखने के लिए कोरम के नीचे जगह है मेरे को और तीन सेंटेंसेस लिखाना है कोरम के लिए जगह बना लो बेटा अभी जगह होती नहीं है जगह बनानी पड़ती है कहा लिख रहे हो अभी आप या तो फिर सिक नोट या ऐसा कुछ चुपका दो तो मैनेज कर लो स्पेस ठीक है साइड में लिख लो तीन सेंटेंसेस और लिखवाना है इसमें से दो तो एक सौ वन वन टू वन वन थ्री है हेडिंग उसके नीचे नहीं होगा कोरम यहां पे 103 है ना उसके बाजू में फिर 105 होगा प्रोक्सी और उसके बाजू में होगा 104 चेयरमैन हाँ बट खत्म नहीं इसका डबल प्रोक्सी का कंटेंट है इसमें अगर छह सेंटेंसेस है प्रोक्सी में बारह सेंटेंसेस है इसलिए तो मैं ब्रेक दे रही हूं <laughs> लिखो ना पॉइंट नंबर फोर आपको लिखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव दोनों रिप्रेजेंटेटिव को कंबाइन कर लू क्या तो आपको सेंटेंसेस के हिसाब से कम लिखना पड़ेगा चलेगा क्या कंटेंट वही है बट <coughs> एक्ट में वन वन टू जो है वन वन टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बात, बारे में बात कर रहा है और वन थ्री इज अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट तो एक्ट में दो सेक्शन है, है तो दोनों को कंबाइन कर सकते हो फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कहा वन वन टू है और कहा वन वन थ्री है ऐसा मैं कह रही हूं तो फिर आपके छ के बदले पांच पॉइंट्स हो जाए तो लिख लो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव Is considered as a member personally present, thus, he will be counted. फॉर कोरम पर्पज और वहां से ब्रैकेट में लिख लो सेक्शन वन वन टू एंड वन वन थ्री एक फिफ्थ पॉइंट लिख ही रहे हो तो लिख लो लास्ट ए लास्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पज दैट्स इट Preference shareholders will not be counted for quorum purpose. You know what's the reason behind this? Ah, Very good. Preference shareholders are not allowed to vote, and thus they are not entitled to AGM. They can come, they can listen. बट दे विल नॉट बी एंटाइटल टू वोट बिकॉज दे आर द मेंबर्स तो आए गए खाएंगे और जाएगे बिकॉज दे आर द मेंबर्स बट दे आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम पर्पज प्रेफरेंसर होल्डर्स आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम ठीक है सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर वन जीरो थ्री वन वन टू एंड वन वन थ्री तीन सेक्शन हमारे हो चुके हैं कौन से कौन से हुए बताओ तो वन जीरो थ्री वॉज रिलेटिंग टू बोलो ना कोरम एंड वन वन टू एंड वन वन थ्री रिप्रेजेंटेटिव क्या रिप्रेजेंटेटिव आर काउंटेड फॉर कोरम पर्पज दे आर काउंटेड फॉर कोरम पर्पज प्रेफरेंशियल होल्डर्स कोरम कितने समय में चेक करते हो हाफ एन आवर और अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा मीटिंग हो जाएगी अर्जेंट अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं था तो क्या होगा मेंजेंट विल बी कंसिडर्ड एज कोरम ठीक है यू कैन टेक योर शॉर्ट ब्रेक एनी वन वैक्ट फाइव मिनिट्स में वी आर गोइंग टू बिगेन ट्वेल्व फिफ्टी फाइव जल्दी जल्दी बाहर जाके आ जाओ चाय लेके आ जाओ पांच मिनट का समय आप हेलो okay. Okay, mic check. क्या हुआ बेटा ओके लेट्स स्टार्ट okay let's continue Okay, come on, guys. The break time is over now. Please settle.

चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर सेवन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके इफ स्वप्निल सर इज अ मेंबर एंड इज रिप्रेजेंटिंग टू पर्सन विल ही बी काउंटेड फॉर टू फॉर कोरम यस, ही विल बी काउंटेड एज टू फॉर कोरम ओके हर्ष इफ अ मेंबर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड टू डायरेक्टर्स कम विल द कोरम बी फुलफिल्ड

ओके okay, बाकी डाउट्स थोड़ा सा रुक जाओ अभी हम क्लास के बाद पंद्रह मिनट स्ट्रीमिंग ऑन रखेंगे तब आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो अभी आप लोग सुनो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं है ना आ जाइए डोंट वरी यस वन वन टू इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड वन वन थ्री इज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एंड एन एल पीस ओके हा ये देखो ना एक बार चैप्टर सेवन जो है एक बार हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या वही हमारी बुक्स में भी लिखा है क्या वही एक्ट में भी लिखा है या नहीं क्या वही मॉड्यूल में लिखा है या नहीं लिखा है सबसे पहले 103 103 103 ये रहा कोरम ये राकोरम आपको कल नोट्स मिले थे क्या क्या बोला था आपको आज भी कल ही बोला आज कुछ बोला ही नहीं पूछो ना एक बार योगिता को कॉल करके तुरंत बोलो तो खुलासा कर दे दे आई दे टोल्ड यू एक बार पूछ लेते कल मैंने देखा था बट मेरे नोट्स आ गए थे उसको ले रहे थे नीचे से ऊपर आ जाइए ये वैसे अवेलेबल है यूट्यूब के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स वो मिलेंगे ना आपको एक बार भी कॉल कर रहा है मैं आपको बताती हूँ कब तक मिलेंगे तब तक तो इधर आ जाओ ना आप कोरम कोरम मींस फटाफट रीडिंग कर रहे हैं हम लोग वी ऑलरेडी अंडरस्टूड सीन इट प्रैक्टिकली एंड रिटन द समरी आ जाइए कोरम इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ हु शुड बी प्रेजेंट पर्सनली in order to constitute a valid meeting quorum for a private company is how many members and public company 5 15 30 if the number of members is not more than 1000 quorum will be 5 if it is more than 1000 up to 5000 15 and more than 5000 then the quorum will be Batao abhi, if within the first half an hour quorum is not present, then what will happen? Bolu na? The meeting shall stand adjourned to the same day, same place, same time next week or such other date as the board of directors may decide. But if it is a meeting called by the members themselves,

और उन्हीं को हम कोरम कंसिडर करेंगे ये सो नो गाइस इसका जवाब बताओ मेरे को चलो क्वेश्चन देर आर फिफ्टी फोर मेंबर्स इन नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन फ्राइडे फर्स्ट जुलाई एट टू पी एम

तो क्या कोरम मिला है yes. तो क्या मीटिंग शुरू कर सकते हैं वेरी गुड दो मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था टू मार्क्स इन टू योर पॉकेट ये देखो इसका वही आंसर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको लिए दो लग, लोग लगते हैं और हाफ आवर में तो 28 लोग प्रेजेंट थे तो इसलिए कोरम जो था कंप्लाई हुआ है और कंपनी जो है वो कॉन्ट्रोवीन नहीं करती वो मीटिंग को कर सकती है शुरू एक क्वेश्चन है एक मिनट आंसर मत देखो इसलिए स्क्रीन हटा दिया से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मीटिंग हमने बुलाई थी ऑन फिफ्थ ऑफ ऑगस्ट एट इलेवन ए एम ठीक है साढ़े ग्यारह तक कोरम जितना चाहिए था मिल गया थर्टी लोगों का कोरम है ऑब्वियसली क्योंकि लाखों में मेंबर्स में पांच हजार से तो कई गुना ज्यादा है तो जितना कोरम चाहिए था उतना कोरम मिल गया ठीक है कंपनी में आए से फॉर एग्जाम्पल फोर्टी फाइव मेंबर्स एजीएम में, में आए मीटिंग शुरू हो गई ग्यारह बजे जब मीटिंग चालू हुई फर्स्ट एजेंडा जो था वो पास हो गया एजेंडा नंबर टू भी पास हो गया एजेंडा नंबर थ्री भी पास हो गया बट डेढ़ बज गई तो डेढ़ बजे के बाद हमने दे दिया लंच ब्रेक बस समझ गए आप लोग लंच ब्रेक के बाद अब मीटिंग में रह गए सिर्फ और सिर्फ पच्चीस मेंबर्स और अभी भी हमारा एजेंडा नंबर फोर और एजेंडा नंबर फाइव पेंडिंग है बट फिर भी चेयरमैन ने ये एजेंडा पास करवा दिए कहा स्टार्टिंग में तो मेंबर्स थे ना फोन दो तो बेटा आपका आंसर देख ले तो <laughs> अब अवार्ड <आवोर्ट> दे तुझे क्या <laughs> <laughs> हाँ मतलब खुश होना चाहिए या दुखी पता नहीं ऑनेस्टी के लिए हैप्पी आंसर ढूंढ ही था बोल रहा है वो <laughs> 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 तो लंच के बाद क्या हुआ कुछ मेंबर्स चले गए लंच कर लिया हो गया बोला सफल हो गई मीटिंग हमारी <laughs> और अब लंच के बाद बस रह गए 25 मेंबर और अभी तक हमारे दो एजेंडा पास होना बाकी है एजेंडा नंबर फोर एंड एजेंडा नंबर फाइव बट चेयरमैन कहता है फर्स्ट हाफ एन आवर में तो प्रेजेंट थे ना लोग तो कोई दिक्कत नहीं है चलो चलने दो मीटिंग चलने दो और ऐसे करके इन 25 लोगों के बीच में हमारा ये फोर्थ और फिफ्थ जो एजेंडा है वो पास करवा दिया नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये एजेंडा जो पास हुए है क्या ये वैलिड है या नहीं है <laughs> और अगर येस कह रहे हो नो कह रहे हो कौनसे के लिए येस कौनसे के लिए नो सारा क्लैरिटी दो फॉरगेट अबाउट लॉ अप एज अ पर्सन जिसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन वू थिंक वॉट द आंसर शुड बी किसके लिए ऐसे किसके लिए नो है माइक दो तो उसको क्या कह रहे हो आप आपका आंसर रेड में मार्क करते हो बोलो मैम कोरम वॉज फॉर्म बिफोर द लंच सो इट इज वैलिड आफ्टर लंच इट इज इन वैलिड कोरम इज प्रेजेंट बिफोर लंच सो वॉट इज वैलिड

वेरी गुड अर्जेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मीटिंग को करेंगे नहीं अब अर्जेंट मीटिंग हम चार बजे बुलाएंगे लंच के बाद <laughs> बस अभी और कुछ लेना देना नहीं बस खाना अच्छा मिल गया तो शादी अच्छी खाना अच्छा मिल गया तो मीटिंग अच्छी बाकी कुछ लेना देना नहीं है ना तो हाँ बोलो मारो को मारो मेरे को बेटा रिलायंस में कितने टोटल नंबर ऑफ है अप टू वन थाउजेंड है या पांच हजार से ज्यादा है अगर पांच हजार से ज्यादा मेंबर्स है तो कोरम पांच लोग लगेंगे कि तीस लोग लगेंगे तो क्या खाना कम लगेगा क्या छोड़ <laughs> आगे बढ़ते हैं बेटा क्लास के बाद आपका डाउट सॉल्व करते हैं जिनको समझा है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है आ जाओ कहां थे इधर हां तो ये जो पोस्ट लंच की बात है जहां पे हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो गए कम हो गए अब हम क्या करेंगे इनके लिए करेंगे मीटिंग अर्जेंट क्योंकि हमारा अभी तक एजेंडा फोर और एजेंडा फाइव जो है वो अभी तक हमारा पास नहीं हुआ है अजर्न करने के बाद फॉर एग्जाम्पल सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक वो ऑगस्ट की मीटिंग थी ना फिफ्थ वीक तो uh, अगर करते तो क्या आएगा सात दिन बाद ऐड करो फाइव पेवन से ट्वेल्थ ऑगस्ट को अब हम मीटिंग करेंगे और अब ट्वेल्थ ऑगस्ट को जितने भी लोग आते हैं उनको कोरम कंसिडर करेंगे और उसके बाद तब माना जाएगा एजेंडा फोर पास हुआ है और एजेंडा फाइव भी पास हुआ है अब लीगली जब रिकॉर्ड पे हमको लिखना है रिकॉर्ड पे आप बताओ व्हाट विल बी द डे ऑफ पासिंग एजेंडा वन टू थ्री एजेंडा वन टू थ्री।, थ्री पास करने का कौन सा डे होगा वेरी गुड और एजेंडा फोर और फाइव पास करने का कौन सा डे होगा जिस दिन जो एजेंडा पास हुआ है वही हमारा रिकॉर्ड डेट होगा अजम्पन नहीं है रियलिटी है रियलिटी। अगर ये तीन रेजोल्यूशन पास हुए हैं पांच अगस्त को तो माना जाएगा कि ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एजेंडा पांच अगस्त को ही पास हुआ है और अगर ये फोर्थ एजेंडा और फिफ्थ एजेंडा अगर ट्वेल्थ अगस्त को पास हुआ है तो इसका भी रिकॉर्ड डेट ट्वेल्थ अगस्त ही रहेगा जो रियलिटी है वही रिकॉर्ड किया जाएगा जिस दिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी दिन माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये देखो यहां पर तीन मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल पूछा था क्वेश्चन की लेंथ को देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे बापरे क्या पूछा है आईसीआई ने बस उस दिन तो मैं एबसेंट ही था <laughs> ये देखो लाइट नाम भी देखो अबे, अबे, अबे लाइट्स एंड साउंड लिमिटेड हैज 2300 मेंबर्स 2300 पब्लिक कंपनी 2300 कोरम कितना लगेगा कैसे पंद्रह मोर देन वन थाउजेंड बंड कोरम कितना है पंद्रह इसके हिसाब से मैंने कंक्लूड किया कोरम लगेगा पंद्रह नेक्स्ट द कंपनी कॉल्ड इट्स एजीएम ऑन ट्यूजडे ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट एट टेन थर्टी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑन द डे ऑफ द मीटिंग कितने मेंबर्स आए चाहिए कितने आए कितने तो क्या कोरम आया है द चेयरमैन प्रोसीडेड टू इनिशिएट द एजीएम इनिशिएट मतलब मीटिंग स्टार्ट कर दिया है देर वर फाइव स्पेशल बिजनेसिस दैट वर टू बी डिस्कस्ड एंड बाई टू थर्टी एजेंडा वन टू थ्री हैज बीन डिस्कस्ड एंड रेजोल्यूशन वर पास हाव एवर ड्यू टू सम इमरजेंसी फोर ऑफ द मेंबर्स हैड टू लीव एट थ्री पी एम चार मेंबर्स चले गए तीन बजे मतलब अट्ठारह से गिनती कम होके कितनी हो गई चाहिए कितने अभी रह कितने गए द चेयरमैन ग्रांटेड द परमिशन एंड प्रोसीडेड टू डिस्कस एजेंडा फोर एंड फाइव एंड पास द रेजोल्यूशन

फर्स्ट हाफ जो है अप टू थर्टी क्या कोरम था yes. और अगर कोरम था तो वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेजोल्यूशन क्या वैलिडली पास हुए है एंड फॉर डिसाइडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ कोरम वॉज नॉट देर तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे मीटिंग को अर्जेंट करेंगे और अर्जेंट मीटिंग में हम फोर्थ और फिफ्थ रेजोल्यूशन पास करवाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेजोल्यूशन वैलिडली पास हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड रेजोल्यूशन वैलिडली पास हुआ है सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ रेजोल्यूशन वैलिडली पास नहीं किया जाएगा जब आपकी बुक्स आएगी ना उस पर मैं इजी लैंग्वेज में लिखवा दूंगी कब आएगी हेमंत ही चलेगा हेमंत <laughs> को कॉल करने बोला था मैंने योगिता को पूछना यार योगिता को अब तू मत चले जा योगिता को पूछ के बोल भी बच्चों को बुक्स कब मिले मेरे को बोला अभी तुरंत ये देखो 112 और 113 कुछ भी नया नहीं कर रहे सिर्फ रिवाइज रीडिंग कर रहे एक सौ बारह देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई गवर्नर का जो स्टेट का कोई गवर्नर है मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के शेज है और ये स्टेट गवर्नमेंट के है अगर वो मेंबर की तरह अपॉइंट हुए हैं तो ऐसे केस में ये जो रिप्रेजेंटेटिव है क्या उनको हम कंसिडर करेंगे एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अरे बोलो ना और अगर वो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है क्या हम उनको कोरम के लिए काउंट करेंगे क्या वो वोट कर सकते हैं एंड दे कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट्स एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट इंक्लूडिंग द राइट टू वोट इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रोक्सी इंक्लूडिंग द राइट टू गेट द मीटिंग का नोटिस इंक्लूडिंग राइट टू बी काउंटेड एस कोरम ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो मेम्बर पर्सनली प्रेजेंट है और अगर वो मेबर पर्सनली प्रेजेंट है क्या हम इनको कोरम के लिए भी काउंट करेंगे और वैसे ही 113 जो है 113 इस तेरा इज टॉकिंग अबाउट अ बॉडी कॉरपोरेट अगर बॉडी कॉरपोरेट मेंबर है तो वो भी क्या कर सकती है दे कैन ऑथोराइज एनी वन टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी मीटिंग एंड दे कैन एक्सरसाइज सेम राइट एंड सेम पावर्स एज इफ दे आर अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट बराबर या नहीं विल बी कंसिडर एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और एज अ मेंबर जो सारे राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सारे राइट्स ये लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले अभी मेरे को ये देखना है कि जितना हमने किया है उसके क्वेश्चन क्या आप आंसर दे सकते हो देखेंगे क्या लेट्स सी कल जैसे लेट्स आउट प्रॉक्सी आज नहीं होगा बेटा प्रॉक्सी होगा मंडे के दिन क्या जवाब मिला है क्यों हम्म वॉल्यूम नंबर वन ए आज मिलेगा आपको और वॉल्यूम नंबर वन बी क्वेश्चन बैंक और कुछ और एक बुक आपको क्या बोला मैंने आज एक आपको बुक मिलने वाली है और बाकी की बुक्स मंडे को मिलेगी बस <laughs> आज शायद वॉल्यूम वन ए मिलेगी और बाकी आपको मंडे मिलेगा बाकी सब्जेक्ट्स का ठीक है एटलीस्ट ये तो पता चल गया सुन ना मेरे को मेरा फोन चाहिए रे पवन एक मिनट के लिए एक ही मिनट के लिए फोन दे फिर तू ले लेते कुछ चाहिए तो वापस एक ही मिनट ये चाहिए क्या देखो फोन हो गया ना ठीक है एक क्वेश्चन देखते चलो क्वेश्चन चैप्टर सेवन सेवन के पास जाते हो चैप्टर सेवन चैप्टर फोर ही है अभी तक क्वेश्चन बैंक बहुत भारी है आप लोगों को हर रोज आपकी क्वेश्चन बैंक भी कैरी करनी पड़ेगी क्वेश्चन बैंक और जो मेन बुक है जो भी हमारा टॉपिक चालू है वो दोनों आपको कैरी करना पड़ेगा ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर सेवन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और आप इसका सिर्फ लास्ट कुछ अटेम का वेटेज देख लो ये चैप्टर में अप्रोक्सिमेटली थर्टी फाइव सेक्शन है थर्टी फाइव और एक सवाल तो ये चैप्टर में से पूछा ही जाने वाला है कुछ कुछ एग्जामिनेशन में दो और कुछ कुछ एग्जामिनेशन में तीन क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से पूछे गए तो आप लोगों को बहुत इज्जत से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम वेटेज of this chapter is four marks. It can be सेवन टेन फिफ्टीन सिक्सटीन marks also depending upon the mood of the examiner. Okay. देखते चलो आज जो हमने किया है क्या आप लोग जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे इसको पूछा गया है नवंबर 18 में मे 2020 के आर में और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे भी ये सवाल है एनी वन हु नोज द आंसर पूरा आंसर कैन जस्ट रेज द हैंड एंड गिव द आंसर पूरा का पूरा सिर्फ वन 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 लाइनर्स नहीं देना है पूरा के एम एन लिमिटेड शेड्यूल्ड इट्स एजीएम कैमरा भी उस बच्चे के पास लेके जाना पूरे भारत को देखने दो एजीएम ऑन इलेवेंथ मार्च ग्यारह बजे द कंपनी हैज नाइन हंड्रेड मेंबर्स कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक और कितने मेंबर्स है तो कोरम कितना लगता है वेरी गुड ऑन इलेवेंथ मार्च द फॉलोइंग पर्सन वर प्रेजेंट बाय इलेवन थर्टी साढ़े ग्यारह तक मतलब विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर पी वन पी टू पी थ्री शेयर होल्डर्स पी फोर रिप्रेजेंटिंग एबीसी लिमिटेड पी फाइव रिप्रेजेंटिंग डीई एफ पी सिक्स पी सेवन प्रोक्सी एग्जामिन विद रेफरेंस मैंने बताया था प्रोक्सी के बारे में भी If you have carefully listened to whatever I have said, I said, examine with reference to the relevant provisions whether the quorum is present in the meeting. What will your answer be if P4, representing ABC Limited, reached after 11:30?

कौन देगा सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब वन टू थ्री फोर फाइव वट अबाउट अदर्स चलो इस बच्चे को दो माइक सबसे पहले इसने हैंड रेस किया था देखते एक एक करके डिस्कस करते बेटा मत. क्या नाम है आपका विशांत कहां से आप तेलंगाना चलो बेटा पहली बात तो बताओ ये कंपनी के लिए एक्ट के हिसाब से कोरम कितना होना चाहिए देखते एक, एक एक चलो पहली बात तो बताओ पी वन पी टू पी थ्री को काउंट करेंगे या नहीं yes, करेंगे। क्यों करेंगे? शेयर होल्डर्स और कितनी गिनती होगी वन टू थ्री थ्री वेरी गुड तो यहाँ पे मैं तीन लिख लेती हूँ नेक्स्ट पी फोर को काउंट करेंगे या नहीं yes, क्यों करेगा रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव इज अंसिडर्ड एज अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट तो क्या हम इनको काउंट करेंगे yes. कितनी गिनती होगी सेम लॉजिक यस गिनतीम लॉजिक्स एंड पी सेवन नो प्रोजीज आर नॉट मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हेंस दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम पर्पज तो कितने लोग आए हैं फाइव कोरम की तरह यस yes, मैम और कितने चाहिए फॉर कोरम फाइव तो क्या कोरम मिला है yes. तो इस सवाल का जवाब है रेलिवेंट प्रोविजन कोरम के बारे में बताओ और बताओ इस केस में कोरम प्रेजेंट है या नहीं है तो ये आंसर है प्रेजेंट yes. yes. तो चलो आपको एक मार्क तो मिल गया है नेक्स्ट वॉट विल बी योर आंसर केस नंबर टू इफ पी फोर मतलब ये वाला बंदा साढ़े ग्यारह के बाद आता है क्यों फर्स्ट हाफ एन आवर में कोरम कितना था चार Five. चाहिए कितना पांच तो क्या कोरम मिला है ऑफ कोरम वजह से मीटिंग क्या हो जाएगी अर्जुन अच्छा। और फिर मीटिंग अर्जुन में जितने मेंबर्स रहेंगे उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा एज द कोरम वेरी गुड टू मार्क्स इन टू पॉकेट लिस्ट में केस ऑफ लैक ऑफ कोरम

<laughs> <coughs> क्या हुआ हाँ तो नो कोरम क्योंकि कोरम प्रेजेंट नहीं था जीरो नहीं बोला बेटा नो कोरम मतलब कोरम नहीं था प्रेजेंट तो फिर क्या होगा जीरो कैसे रिज्यूम कर लिया कोरम प्रेजेंट नहीं था ऐसा बोला ना वेरी गुड सो प्राउड ऑफ यू अभी समवन एल्स विल गिव द आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन कमॉन आंसर हटाना पड़ेगा एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग टोटल थर्टी मेंबर्स ऑफ़ टू मेंबर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड वन मेंबर इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया

और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रिप्रेजेंटेटिव को क्या मेंबर काउंट किया जाता है yes. तो क्या वो कोरम में काउंट हो गए yes. और अगर वो मेंबर मेंबर है member के सारे राइट्स इनको मिलते तो क्या वो वोट भी कास्ट कर सकते हैं yes. दो मार्क्स का ये सवाल है 103 और 112 सौ का कॉम्बिनेशन है क्या सेक्शन नंबर लिख पाओगे एक yes. में क्या लिखा हुआ है कोरम और 112 और 113 में रिप्रेजेंटेटिव इज कंसिडर्ड एज अ मेंसन प्रेजेंट और अगर वो मेंबर है मेंबर को जैसे राइट्स मिलते हैं वैसे ही राइट्स क्या इनको भी मिलेंगे वेरी गुड तो ऐसे करके क्वेश्चन टेन भी हो चुका क्वेश्चन थर्टीन देखो थर्टीन ये कब पूछा आपको पता है नवंबर 20 में और आपको पता है मे की आरटीपी में ये क्वेश्चन था मे की आरटीपी में और नवंबर के अटैम्प में ये क्वेश्चन था मतलब उस अटैंप की आरटीपी नहीं प्रीवियस अटैम्प की आरटीपी का सवाल इस अटैम्प में पूछ लिया और इसीलिए क्वेश्चन बैंक में सारे आरटीपीज और सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर्ड है हो सकता है आपकी आरटीपी का सवाल आए या ऐसा भी हो सकता है प्रीवियस आर का सवाल है देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पी क्यू लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई पब्लिक कंपनी है और कितने मेंबर्स है ये कंपनी के कोरम कितना होगा फिफ्टीन द कंपनी सेंड नोटिस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द एजीएम और एजीएम कब है सेकेंड सेप्टेंबर ग्यारह बजे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन द डे ऑफ द मीटिंग देर वर ओनली ट्वेल्व मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू इलेवन थर्टीन कोरम कितना चाहिए Please. कोरम आया कितना है Please. तो क्या कोरम आया है Please. तो क्या होना चाहिए ऑन द डे ऑफ हाँ तो ठीक है द चेयरमैन देर फॉर मीटिंग ठीक किया चेयरमैन ने

आप तो कह रहे हो बारह था तो वैलिड नहीं है बट दस से तो वैलिड है yes. इस सारे सवाल का जवाब एक पे ही रोटेट कर रहा है यस इफ द मीटिंग वॉज अर्जंट अर्जेंट फॉर वॉट वॉन्ट ऑफ कोरम तो अर्जेंट मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है विल बी कंसिडर्ड एज कोरम दे विल बी कंसिडर्ड एज तो इसलिए इस केस में मीटिंग विल बी अ वैलिड मीटिंग एंड वॉट वुड बी ऑर आंसर इफ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी तो अगर प्राइवेट कंपनी आप इसको तो इग्नोर करोगे क्योंकि इतने लोग तो हो ही नहीं सकते हैं बट अगर ये प्राइवेट कंपनी है और बारह लोग आए हैं क्या मीटिंग वैलिड है yes. क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम कितना चाहिए so, आए कितने लोग है बारह क्या ये कंपनी अपनी मीटिंग शुरू कर सकती है yes. ऐसे सवाल पूछता है इंस्टीट्यूट के आप जवाब दे पा रहे हो दिस इज अस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन RTP दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ I am आई to होप आई एम एबल टू हेल्प यू टू मैच दईसीआई जवाब दे पा रहे हो या नहीं yes. कुछ दिनों में अभी नहीं हफ्ते भर बाद हम क्वेश्चन आंसर की भी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या आप आंसर्स भी लिख पा रहे हो या नहीं अभी करंटली हफ्ते भर के लिए आप फोकस विल बी ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग समरी देन समिंग्स विल बी डिस्कस्ट सम थिंग्स विल बी रिटेन थ्रू क्वेश्चन आंसर ऑल्सो ठीक है एक आखिरी सवाल और हो गया बस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दैट एट नहीं फोर्टीन तो नहीं होगा एक आखिरी सवाल है देख लेते ट्वेंटी नाइन और थर्टी थ्री में से कोई एक करते ऐसे तो दो प्लान किए थे बट ठीक है गिफ्ट कर लेते है. अच्छा चलो 29 और थर्टी थ्री दोनों भी प्रॉक्सी के ही है ठीक है चलो इतना ही करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते तो फिर छोड़। एक मिनट रुको क्वेश्चंस में मैंने बोला इतना ही करते हैं टाइम है बेटा अभी तक कल भी जल्दी छोड़ दिया था मैंने आप बताओगे को अच्छा आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है ये जो समरी हमने लिखा है उसको संडे के दिन आप रीड कर लेना पढ़ लेना एक बार ठीक है बताओ हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल फॉर अ मीटिंग क्या सिंगल डायरेक्टर मीटिंग बुला सकता है बट अगर आप चाहो क्या आपका ये पावर किसी और को डेलीगेट कर सकते हो तब ये जो कोई और है क्या वो मीटिंग बुला सकता है सिंगल डायरेक्टर के पास कभी भी मीटिंग बुलाने का पावर वॉट इज द एडिक्वेट लेंथ ऑफ अ नोटिस 21 क्लियर डेज 21 में चार दिन एक्सक्लूड होते हैं कौन से कौन से डेट ऑफ डिस्पैच डेट ऑफ मीटिंग एंड टू डेज फॉर ट्रांसमिशन सेक्शन एट कंपनीज को 21 डेज नहीं है कितने शॉर्टफॉल अगर है क्या शॉर्टफॉल को माफ किया जा सकता है एजीएम के केस में 95 फाइव परसेंट ऑफ द में आर एंटाइटल टू वोट अगर माफी दे दी तो क्या माफ कर दिया जाएगा yes. यही जो मीटिंग होती है इसके नोटिस का कंटेंट क्या क्या होता है प्लेस, टाइम एंड नोटिस किन किन लोगों को दी जाती है ईच एंड एवरी मेंबर की अगर डेथ हो गई तो इन हो गया तो साथ ही साथ ऑडिटर साथ ही साथ डायरेक्टर आपने जान बुझ के डेलिब्रेटली किसी मेंबर को नोटिस नहीं दिए। द प्रोसीडिंग विल बी इनवैलड बट एक्सीडेंटल ओमिशन था नॉट इन वैलिड कोरम का सेक्शन नंबर बताओ और ये नोटिस का सेक्शन क्या था 101 और 102 दो है रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस कोरम क्या है प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक कंपनी के लिए इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज अप टू 1000 मोर देन वन अप टू 5000 एंड मोर देन 5000 क्या आप आर्टिकल्स के द्वारा कोरम का नंबर बढ़ा सकते हो यस yes. घटा सकते हो yes. अगर बढ़ाया तो क्या वो रिक्वायरमेंट भी पूरा करना पड़ेगा अलोंग विद दैट कोरम कितने घंटे के अंदर चेक करते हैं फर्स्ट हाफ एन आवर में तब अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग का क्या होगा अर्जेंट होगी टू सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक और एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर्स बट अगर इट्स अ मीटिंग कॉल्ड बाय द मेंबर्स और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा द मीटिंग शेल स्टैंड कैंसल क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉरपोरेट प्रेजिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या इनको कोरम के लिए काउंट करेंगे क्या यह वोट कर सकते हैं क्या नोटिस इनको दी जाती है सो आ दे कंसिडर्ड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड एज अ मेंसनली प्रेजेंट आपके जो भी राइट है क्या ये सारे राइट भी इनको मिलते हैं हम क्या पढ़ रहे लोया एक्ट Stop. तो क्या लॉ में एक्ट होगा रूल्स yes. भी हो गए एक्ट yes. yes. कौन बनाता है yes. और रूल्स कहां से पास होते हैं रूलिंग पार्टी द सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अमेंड करना आसान है और uh, किसको लाना आसान है rules. किसको अमेंड करना डिफिकल्ट है yes. साथ साथ में आप लोग मुझे बताओगे कि एक्ट के लिए क्या प्रेसिडेंट का भी कंसेंट लगता है yes. लोकसभा राज्यसभा का भी कंसेंट लगता है yes. तो भी क्या आपका एक्ट बनेगा yes. बट जनता को कैसे पता चलेगा ऑफिशियल गैस थैंक यू सो मच गॉड यू ऑल वेरी गुड क्या बात है चलो मिलते हैं मंडे के दिन संडे इंजॉय करो रिलैक्स करो है ना वर्चुअल किड्स, आप लोग अभी आपके डाउट्स पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं आ जाइए आ जाओ आ जाओ राधा प्रॉक्सी के बारे में हम मंडे के दिन आपको पढ़ाएंगे ठीक है प्रॉक्सी बेटा बताएंगे आपको मंडे के दिन बताएंगे लक्ष्मण Member, uh, कितने, uh, forms, forms, बेटा ऑफलाइन बच्चों के डाउट्स कैसे सॉल्व हो गए ऑफलाइन आपको इधर आके डाउट सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा इधर ऐसे ऑनलाइन वाला बच्चा क्यों लोड ले रहा है उसका हाउ विल मेंबर्स कॉल फॉर अ मीटिंग नरेश मेंबर्स कैन कॉल फॉर अ मीटिंग बाय गिविंग अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो आप सेक्शन नंबर हंड्रेड में करने वाले हो तो वो होगा बेटा डोंट वरी अगर मीटिंग एडजर्न हुई है कोई और रीजन से तो हमने बताया था ना वो इंडिया पाकिस्तान मैच और उस मीटिंग में अगर कोरम नहीं आया तो आपको वापस से अडजर्ट करना पड़ेगा जब तक कोरम प्रेजेंट नहीं है, है ना ऑडिटर कोरम में काउंट होगा नहीं बेटा ऑडिटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी ही विल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम गगन आपके सवाल का जवाब दे दिया है आशीष पूछ रहा है आरटीपी क्या होता है बताइए आप हम डायरेक्ट एंट्री से लॉ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा नहीं बेटा जितना चालू है जस्ट गो विद द फ्लो। अर्जेंट मीटिंग के नोटिस में भी शॉर्टफॉल होगा तीन दिन में क्या ही शॉर्टफॉल करोगे बेटा अभी उसमें शॉर्टफॉल नहीं है डायरेक्टर्स अर्जेंट मीटिंग को नेक्स्ट डे रख सकते नहीं बेटा तीन दिन की तो नोटिस पीरियड है ना नेक्स्ट डे कैसे रखोगे आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर आशीष प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसीलिए काउंट नहीं होता है जिया नहीं चंचल बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट अलाउड टू वोट दैट इज वाई थैंक यू अमन थैंक यू आप अगर सेक्शन नंबर याद कर सकते हो तो अच्छा हो जाएगा बेटा एक बंदा कितने बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर सकता है जितने आप चाहो उतने। में में नहीं समझा मेरे को अर्जेंट मीटिंग के नोटिस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या इक्विटी शेयर होल्डर है कैसे पता चलता है आपने क्या खरीदा है प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर उसी से पता चल जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर क्यों मेरे मजे ले रहे हो ऐसा डाउट अगर आया बेटा आप सीए छोड़ दो दो वोट हाँ वो दो पर्सन की तरह काउंट होगा फॉर कोरम हाँ प्रॉक्सी इसीलिए काउंट नहीं होता है बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट देखो शॉर्टफॉल के लिए जो कंसेंट लेते हो ना वो तो आप तब, तब लेते हो जब मीटिंग शुरू भी नहीं हुई मीटिंग के पहले ही तो आप सभी मेंबर्स से परमिशन लेते हो कि शॉर्टर लेंथ दिया तो चलेगा क्या एंड देन यू डिस्पैच shorter लेंथ ऐसा ठीक है दाहिया एंड संयम मैंने आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है अच्छे से सुनो लेक्चर गुड मॉर्निंग ओके बाय बाय अमन थैंक यू रितिका मैम अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वापस अर्जेंट करोगे आप ऑथोरी डेलीगेट करने के लिए मेजोरिटी डायरेक्टर्स का परमिशन चाहिए बाय बाय ट्विंकल वर्चुअली प्रेजेंट मेंबर्स को भी काउंट करेंगे यस। yes. कितने मेंबर्स जरूरी होते हैं मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए बेटा ढाई घंटे पहले वाला लेक्चर वापस से देख लो बाय <laughs> बाय अमित बाय हिमांशु बाय वर्षा uh, मैम uh, कोरम हम हाफ एन आवर में चेक करते तो क्या आधे घंटे बाद ही मीटिंग चालू होगी नहीं ना बेटा अगर से ग्यारह बजे की मीटिंग है तभी कोरम मिल गया है तो आप मीटिंग चालू कर दो ना वाई यू विल वेट हाफ एन आवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किन पे किन पे प्रेफरेंस मिलता है चंचल पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप पहले वाला जो बेस्ट था ना उसकी फर्स्ट लेक्चर देखी थी तो उसमें आपने